हेलो फ्रेंड्स, जय सीएलसी। मायसेल्फ किशोर शेखावत और मेरे साथ हैं विजेंद्र चौहान। विजेंद्र जी चौहान, तो आज हम लोग गुरु नीति के 42 वाले एपिसोड में आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने फिजिक्स के गुरु नीति के टोटल 45 एपिसोड के माध्यम से पूरे फिजिक्स को रिवाइज करने का आपसे वादा किया था, और उस वादे के तहत हम लोग पहुंच चुके हैं 42 वाले गुरु नीति के एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स पर। अब जैसे रे ऑप्टिक्स के हमने आपको देने हैं 3 वीडियो। फर्स्ट में हम बात करेंगे इसमें जो आपका समतल दर्पण है यानी प्लेन मिरर, और जो आपका कर्व्ड मिरर है उस पे अपन बात करेंगे। दूसरा इसमें अपन बात करने वाले हैं जो आपका अपवर्तन है यानी रिफ्लेक्शन है। दूसरा उसमें अपन बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड पूर्णांतरिक परावर्तन, और साथ में प्रिज्म। यहां तक का पूरा का जो पूरा करीब करीब 34 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है, वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में थ्योरी भी इसकी कुछ आसपास के आप बताएंगे। तो करें शुरू। जी सर, बिल्कुल। ओके, तो पहला क्वेश्चन सर हमसे क्या कह रहा है वो, कि ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ए पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म ए रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इज, प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश पुंज को, एक समतल दर्पण प्रकाश पुंज को परावर्तित करके एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, रियल इमेज यहां पर है। बिल्कुल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, थोड़ा हिंदी में रह गया, एक प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश पुंज कैसा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो एक तो जैसे आपने अगर पढ़ा स्टूडेंट से हो, तो मान लो ये कोई एक समतल दर्पण है और इस पे हम लाइट करते हैं इंसिडेंट। मान लो कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की जो रेस आपको मालूम है इस पे होंगी इंसिडेंट, तो लाइट तो ऐसे निकलेगी, तो यूं सभी ओर जो है वो प्रकाश जा प्रकाश निकलेगा। अब इस समतल दर्पण के लिए ये जो प्रकाश किरण मैंने बनाई है, इनको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेज, आपतित किरण, आपतित किरण है। और इंसिडेंट रे जो है वो किस प्रकार से कहां से कैसे आ रही है, वो डाइवर्ज होते हुए आ रही हैं या कन्वर्ज होते हुए आ रही हैं, वो कहां से आ रही हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ आपका इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की नेचर को यानी बिंब की प्रकृति को दर्शाता है। बिल्कुल। और अब उसके बाद जैसे यहां मैं बनाता हूं इसका नॉर्मल, ये तो नॉर्मल यही है इसका, ये इसका नॉर्मल हो गया। तो अब ये सामान्य आपके परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए लाइट किस तरह से बाहर निकलेगी, लाइट ऐसे बाहर निकलेगी। अब जो लाइट यहां से और ये लाइट गिर रही वो भी यहां से तो बाहर निकलेगी ऐसे, ये लाइट ऐसे बाहर निकलनी है इनको। तो देखो ध्यान दो, ये जो लाइट रे थी ये वाली, इनको हमने कहा था आपतित प्रकाश किरणें, और ये सब क्या है, इनको हम कहते हैं परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अब सुनो, अगर आपको इमेज देखनी है तो इमेज जब आप देखोगे तो इमेज देखने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड रेज होती है, जो रेज होती है, अभी तो अपने पास दर्पण है, तो दर्पण से हमेशा कौन सी आएंगे सर जी, रिफ्लेक्टेड। अगर हम प्रिज्म यूज करेंगे या अपन को लेंस यूज करेंगे तो वहां पे आ जाएंगी आपकी अपवर्तित प्रकाश किरणें, जो भी हो। अब अगर आपको इमेज देखनी है तो हमेशा अपने जो आई जो है उस आई को आप क्या करो, आई को आप हमेशा अरेंज करो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड रेड के पाथ में। अब जैसे आप यहां अपनी आई को अरेंज करते हो तो जो लाइट आपके आई में इंटर कर रही है कौन सी, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड। अपना जो ब्रेन है वो क्या सेंस करता है कि जो लाइट आपकी आई में इंटर कर रही है उनको बैक ट्रेस करने पर, उनको पीछे बढ़ाने पर जो फर्स्ट कॉमन पॉइंट होता है, उस फर्स्ट कॉमन पॉइंट को आपका ब्रेन एज ए इमेज सेंस करता है। तो जो लाइट इसमें इंटर कर रही है उनको अपन पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो पीछे बढ़ाने पर अब देखो क्या इसके पीछे कोई रियल में लाइट रेस है क्या, नहीं है, तो माइंड को क्या फील होगा, केवल यहाँ पे कोई प्रकाश किरणें है वो आप यहां से निकल के आपके पास आते भी फील हो रही है। तो क्या रियल में यहाँ प्रकाश किरणें है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ इसके पीछे कोई दर्पण रख दूं, क्या उस पर कोई फोटो आपको नजर आएगी, क्या इमेज बनेगी, क्या पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ दिख रहा है वो अलग कहानी है। तो ये जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की है, वो काल्पनिक है, आभासी बोल सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब देखो यहाँ वस्तु कैसी है, रियल, वस्तु कैसी है, रियल,
बीम कैसा है? रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। पर इमेज कैसी बन गई आपकी? वर्चुअल, यानी काल्पनिक, आभासी। तो यहां से बात समझना आप कि जो समतल दर्पण होता है ना, वो क्या करता है? वो रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। क्या करेगा? रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनाएगा। और अगर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल इमेज बनाएगा। बस तो ये दो स्टेटमेंट याद कर लो कि समतल दर्पण आर ओ वी आई बनाता है और समतल दर्पण वी ओ आर आई बनाता है। ये अगर आपने ढंग से सीख ली बात तो मैं इसी को देखो आगे बढ़ाता हूं। अपने पास ये मान लो एक कर्व्ड मिरर है और ये कौन सा हो गया? देखो ये आपका अवतल है कि उत्तल, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? बोलो भाई। तो ये हो गया सर कॉनकेव, जिसको अपन कहते हैं अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण जो होता है वो मल्टीपर्पज होता है, दर्पणों के अंदर वर्सेटाइल होता है, मल्टीपर्पज होता है, ये सारे प्रकार की इमेज बना देता है, सब कुछ बना देता है। तो इसमें देखो काम की बात यह है कि ये जो होता है ना, ये वाला सिद्धांत सुना, मैं इसकी सारी कहानी को वापिस आपको बताता हूँ। ये तो आपने ढंग से अगर देख लिया होगा, इसका प्रश्न भी आपका, इसका आंसर भी तो आपका आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि ये आर ओ वी आई बनाता है, वी ओ आर आई बनाता है, ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो आपके पास तो ये प्रकाश पुंज था, वो कह रहा है कि आपको तो क्या बनाना है, वास्तविक इमेज बनानी है। तो रियल इमेज कब बनेगी? जब वस्तु कैसी है? वर्चुअल। तो और वर्चुअल के लिए लाइट किस प्रकार की आनी चाहिए? कन्वर्जिंग। बिल्कुल वर्चुअल के कैसे कन्वर्जिंग होनी चाहिए। और जैसे अब ये रियल ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट की लाइट हमेशा कैसी होती है? वो होती है डाइवर्जिंग। यदि इस दर्पण पर प्रकाश गिर रहा है वो डाइवर्जिंग है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है। और कन्वर्जिंग लाइट गिर रही है, इसका मतलब कौन से प्रकार का है? वो आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये ढंग से आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखो मैं यहीं से नीट में जो बातें आती हैं उसकी दो तीन बातें आपको और शेयर करता हूं। जैसे मैंने कहा कि जो अपने पास तीन कहानी है, एक तो है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और एक मैं लेता हूं यहां पर कॉनकेव मिरर, और एक मैं लेता हूं यहां पर देखो कॉन्वेक्स मिरर, और फिर लेंस की बात भी अपन इसमें ऐड कर देंगे। तो प्लेन के लिए मैंने आपसे बोला है कि ये आपका रियल आर ओ वी आई बनाता है। दूसरा मैंने कहा वी वी ओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। कॉनकेव जो होता है वो वी ओ वी आई नहीं बनाता है, बस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। और ये क्या करता है? ये आर ओ आर आई नहीं बनाता है। यहां से पूरी कहानी को आप पकड़ सकते हो, याद कर सकते हो, अपने काम में ले सकते हो। ये क्या करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं ये तो मेरे पास रियल ऑब्जेक्ट है, तो जो इसकी इमेज बनती है, या तो बनती है आपकी कौन सी? रियल इमेज। और ये बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। इसी तरह से मान लो मेरे पास है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इसके भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपका रियल इमेज या कौन सा आपका वर्चुअल इमेज। ये तो कहानी आई ना। तो मैंने आपसे यहां बोला है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनाता, बाकी सब बनाता। तो वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बनाता, बाकी ये बनाता सब बनाता। बात पहले पड़ी तो, और मोस्टली तो अपने क्वेश्चंस टिके होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट पे टिके होते हैं, और ये तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ही बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। पर उसमें अगर कहानी इसको आप रिपीट करते हो तो ध्यान दो, मैं यहां पर भी अगर किसी कहानी को रिपीट कर दूं तो मैं कह रहा हूं कि आर ओ आर आई नहीं बनाता है, यानी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाएगा, और वो कैसे बनाएगा? वर्चुअल। कैसे बनाएगा? वर्चुअल बना देगा। तो वहां इसको बाकी सब बना दे, बाकी ये नहीं बनाता है, बाकी सब बना देगा वो। तो आराम से उन चीजों को आप पकड़ सकते हो, कैच कर सकते हो। तो ये अपन ने कहानी आपको बता दी, और ये इसको इस्तेमाल करके आप और भी क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। तो ये क्वेश्चन सर क्या कह रहा है देखो, देखें ए वॉच शोज टाइम एस 3:25 व्हेन सीन थ्रू ए मिरर टाइम अपीयर्ड विल बी
एक घड़ी में वास्तविक समय इतना है जब इसे समतल दर्पण से अपन देखते हैं, सीन थ्रू ए प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर, टाइम अपीयर्ड विल बी, तो समय कितना आपको नजर आएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन दे रखे हैं कैसे, ये सामान्य आपके 12 से कम वाले तो हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन क्या करते हो कि जैसे 12 जो बजे होते हैं उसमें से दिए गए समय को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो यहां 12, जैसे मैं लिखूं 12 बजे, 12 बजे को यू लिखूं, चाहे आप लिख दो 11:60, और इसमें से गिवन टाइम है उसको अपन कर दें -3 और ये 25 माइनस अपन कर देंगे। मान लो क्वेश्चन आता है सेकंड तक आ गया, तो उस केस में जैसे आप क्या करोगे, तो 11 और ये 5, 9 और 60, ये भी दोबारा बजे हो गया ना, तो ये भी एक्चुअली ये 1 मिनट है, ये 60, तो कुल आपकी 1 से कम हो तो टोटल 60, तो 1 घंटा हो गया, एंड तो 12 हो गया। अब इसमें से आपको मान लो क्वेश्चन आता कोई, मैं कहता कि 3 बजे और मान लो 25 मिनट और मान लो 24 सेकंड था, उसमें कितना मिरर समय आपको दिखेगा, तो ये तो आपका रियल टाइम है, ठीक है। अब जब इसको माइनस अपन करेंगे तो ये 5, ये आपका 3 और ये कितना हो गया 8 ना सर, बिल्कुल। तो ये तो 8, 3, 5, इसको हम कहते हैं दर्पण समय, जो सही नहीं है, गलत है, जो भी हो। और अगर दर्पण का समय दे रखा हो और पूछे मिरर वाला, तो भी आप उसको माइनस करके ही ज्ञात करोगे। तो एक बेसिक सा प्रिंसिपल का फंडा है जो आप आराम से काम में ले हो। तो आपका आंसर हो गया कितना, फर्स्ट 8:35, 8:35 आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, ए डायमिनिस्ट वर्चुअल इमेज कैन बी फाउंड ओनली इन, एक छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब निम्न से किसके द्वारा बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा। देखो प्लेन मिरर, वो तो क्या बनाता है, समान उतने बनता है उसका, सेम साइज का वर्चुअल, वो पीछे दर्पण के पीछे इस प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी, लेटरल इन्वर्टेड वगैरह, वो सारी इसकी खास होती है। तो फिर कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनवेक्स मिरर और पैराबोलॉइडल मिरर में से कौन सा, आपको तो पूछा छोटा और काल्पनिक, काल्पनिक छोटा भी होना चाहिए और काल्पनिक भी होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए। तो जैसे अभी अपन एक बात की थी कि VOVI वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बनाता है, कौन, अभी अपन ने बात की देखो कि वर्चुअल की वर्चुअल कौन नहीं बनाता है, आपका कॉनवेक्स, सॉरी कॉनकेव, उतनी बनाता तो बनाता ही नहीं है, पर आपको पूछा क्या है, छोटा काल्पनिक, ये तो बनाता ही नहीं, तो छोटा कहां से पॉसिबल है भाई। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रियल, हाँ वो बहुत रियल की कहानी है, वो रियल की कहानी है, और जो अपन बनाते हैं कौन सा, वो अपन लिया था RORI, वो तो वर्चुअल बनाता है, और उसकी जो इमेज होती है वो छोटी होती है सर, शायद छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब, यस ठीक है, यदि इमेज फॉर्म करके अपन बताएं, अगर ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो उस केस के अंदर एक रे यहाँ से गई और ये रिफ्लेक्ट होगी और ये यहाँ से पास होगी पाइप से, ठीक है, और एक रे हमने यहाँ से पास कर दी, मतलब ये सी से, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जा रही, तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो यहाँ पर बन सकता है। बिल्कुल, यानी जैसे ये अपने पास एक वस्तु है, इसको अपन देख रहे हैं किससे, कॉनवेक्स मिरर से, यानी उत्तल दर्पण से इसको अपन देख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअली बनाएगा, जो वर्चुअल बनाता ही नहीं, किसकी रियल की, और ये तो सबकी कॉमन बात है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, बात पल्ले पड़ी। अच्छा, इसमें सारी छोटी छोटी इमेज बनती है, छोटी इमेज सारी छोटी इमेज बनेंगी, तो काल्पनिक, बिल्कुल। जैसे इसमें अपन इसमें आगे इसकी मैं कई बातें आपको देखो बताऊंगा, इसमें इमेज फॉर्म किस तरह से सारी होती है, दोनों टाइप से, कॉनवेक्स से और कॉनकेव से, वो आपको सारे जो केसेस है वो आपको याद करने हैं, करने पड़ेंगे, कब किस केस के अंदर वास्तविक और कब किस केस के अंदर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता बनता है, ठीक है।
तो इसका आंसर कौन सा हो गया सर? कॉन्वेक्स, मेरा मतलब कॉन्वेक्स यानी थर्ड इसका आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। आगे तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो जब एक 2 मिलीमीटर लंबी वस्तु को 40 सेंटीमीटर वक्रता वाले एक समतल दर्पण उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं, तब इसके प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? थोड़ी सी मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ हाइट का आभास हो रहा है, यहाँ हो रहा है लंबाई का आभास। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो उसकी एक्सिस है उसके ठीक 90 पे ऐसे बॉडी को रखा हुआ है, तो हाइट हम लोग इसमें फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक तरह से फॉर्मूले आपके शुरू हो जाएंगे। तो थोड़े से मैं फॉर्मूले आपको एक बार मेमोराइज कर दूं, याद करवा दूं। देखो कि एक तो अपने पास है जो कर्व्ड मिरर, देखो जैसे एक तो है अपने पास कर्व्ड मिरर मान लो आप, और दूसरा है देखो अपने लेंस। जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्स में तो वहां पे फिर क्या होता है, इनका होता है कॉम्बिनेशन। कहीं क्वेश्चन आपका दर्पण का आ गया, कहीं आपका लेंस का प्रश्न आ गया, अब सिर्फ फिर वहां दिमाग है ना वो काम नहीं करता, अभी कौन सा फॉर्मूला अपन लगाएं कौन सा नहीं लगाएं। तो ये तो है देखो दर्पण, और ये हो गया आपका लेंस। हिंदी में बोले तो इसको लेंस बोलेंगे। अच्छा तो इससे पहले जो फॉर्मूले पर बात करें, सबसे पहले एक तो अपन लिखते हैं देखो इसका दर्पण सूत्र, और इसको अपन कहते हैं इसका लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, जो कि वी यू और एफ में रिलेशन होता है। तो दर्पण में देखो आपने पढ़ा है तो 1/V + 1/U बराबर होता है 1/F, और इसमें होता है देखो 1/V - 1/U = 1/F। अब जैसे आप देखो दर्पण में देखो सेकंड लेटर कौन है, दर्पण पी पैर, पैर से मतलब यहां प्लस आएगा, प्लस आएगा, और यहां देखो लेंस में सेकंड एन ही है, यहां कैसा आपका माइनस आएगा। तो डिफरेंस पहले से यहां पैदा कर दो कि दर्पण में तो आपका प्लस आएगा और लेंस में माइनस। फॉर्मूला याद होता है, बच्चे होते हैं गलती हो जाती है, तो ये गलती है ना उसको खत्म करने के लिए दर्पण में तो प्लस आएगा और लेंस में माइनस आएगा, बात फिक्स हो जाएगी। हाँ नेगेटिव साइन। अब देखो दूसरा जो इसका अपन कहते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, जो आवर्धन का फॉर्मूला है वो भी अपन यहां दोनों का पहले ही कर दें फिक्स। तो ये तो प्लस का तो ये माइनस है, बस थोड़ा थोड़ा सिंपल आता है। तो मैग्निफिकेशन अपन करते हैं जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन कौन सा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो बेसिक तो फॉर्मूला इसका है वो आपका कौन सा हो गया, देखो वी अपॉन यू, पर ध्यान देना ये प्लस है तो ये माइनस, फिक्स कर दो। दर्पण में दर्पण सूत्र में तो प्लस आएगा, पर जो आवर्धन का है या मैग्निफिकेशन वो कैसा आपका माइनस का आ जाएगा। अब यदि इसको अपन लेते हैं लेंस वाले में कोई इश्यू नहीं है, इसका भी एम अपन लिखेंगे, तो मेरे पास ये जो एम है वो देखो क्या आएगा, अब ये माइनस तो प्लस वी अपॉन यू, और यह लिखूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला आ गए। हाँ जब अब क्वेश्चन आपके फोकस लेंथ के भी आएंगे मिक्स हो जाएंगे, तो भी देखो इसका मैं एक इलाज करता हूँ आपकी हेल्प के लिए, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसको साफ करता हूँ। देखो आप इसको लिख चुके होंगे, जैसे मेरे पास इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था दर्पण में पै पॉजिटिव तो ये माइनस का वी बाई यू, और लेंस में था लेंस माइनस तो ये आपका कैसा प्लस, तो एम इक्वल टू कौन सा हो गया प्लस का वी बाई यू आ गया। अब देखो यहां पर आपको जो फॉर्मूले और बनाने होते हैं दोनों को अलग कर दो, देखो दर्पण में क्या था मेरे पास m इक्वल टू वहां प्लस थे माइनस v अपॉन u, अच्छा लेंस वाले में मेरे पास था m प्लस का v अपॉन u। अब देखो जो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ना, ये जो दो फॉर्मूले आपके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इनको एक तो अपन का एग्जाम हॉल बैठ करके तैयार करते हैं, तो तैयार कर दो लोगे तो उसमें टाइम इतना लग जाएगा कि फिर वो जो आपका फॉर्मूला तैयार करने में टाइम इतना लगेगा कि फिर क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ बातें डायरेक्ट याद हो नहीं चाहिए, याद भी ऐसा होना चाहिए तुरंत क्लिक हो जाए बस, बिल्कुल सही, और क्लिक भी सही हो जाए। तो देखो
अब मैं यहां दो फॉर्मूले कहता हूं, वो है फोकस लेंथ की फॉर्म में, तो उसमें एफ तो आएगा सब में निश्चित रूप से, एफ तो आना ही आना है। अब देखो क्या फॉर्मूला उसका है, तो इसमें अगर एक तो है ऑप्शन आपका एफ और वी के रूप में आता है, एक आपका एफ और यू में आएगा, तो जो एफ और वी के रूप में है वो तो कैसे होता है, एफ और वी में ना तो माइनस का भी उठाओ, क्या लगा दो ऊपर है ना, ऊपर ही है तो ये लो माइनस का भी, एफ माइनस वी बिल्कुल सिंपल है, मैंने वहां से टेस्ट किया था बात को, ये जोड़ दिया ऐसे। बाकी हमको सब कुछ चीजें भी पूरी पता होती हैं, हमको पूरा पता है कि कैसे इक्वेशन बना करके इसको आप सर्विस करना है, अपन आराम से तुरंत कर देंगे, सिखा भी देंगे। जैसे मान लो मुझे ये फाइंड करना था, तो मेरे पास ये फॉर्मूला तुरंत पहले सीख लो पूरा, उसके बाद में एक आपको बना के दे दूंगा। तो ये अगर मुझे इसमें एफ और यू के रूप में लिखना है तो माइनस यू लिया होगा, क्या दिक्कत है, माइनस का यू आ गया, फिक्स है, कोई बदलने वाला है नहीं, अब फिक्स हो गया। अब इससे अपन लेंस वाले में थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी बात ये अलग है कि जो ये तो फिक्स है यहाँ कैसे कैसे है, माइनस का वी ही है, परंतु यू वाला ना वो आपका यहाँ पर प्लस के रूप में आएगा, इतना ही थोड़ा डिफरेंस है। और ये ढंग से एक बार काम कर लेते हो ना जिंदगी में, जब भी जिसमें आपने ढंग से जिस भी दिन आपने ढंग से पढ़ लिया, अच्छा पढ़ लो, फिर वो परमानेंट हमेशा काम आता है। अब मान लो वो फॉर्म करना बदलना हो, तो जब मान लो ये लेंस वाला है इसको बदलते हैं, तो लेंस वाले में ये प्लस का तो माइनस का ना, वन अपॉन वी माइनस का वन अपॉन यू इक्वल टू कौन सा वन अपॉन आपका एफ। मुझे चाहिए मान लो मुझे चाहिए इसमें कि एफ और वी में चाहिए, तो एफ और वी में चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको तो वी अपॉन यू निकालना ना, तो अपन इसको वी से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को ही, तो वी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया वन, वन माइनस कितना वी अपॉन यू इज इक्वल टू आपका है देखो वी अपॉन एफ, क्लियर। अब हमको तो v upon u चाहिए और वो प्लस का चाहिए, वो भी प्लस का चाहिए, तो अगर मैं इसको देखो यहीं पर ही ये कर दूं माइनस, ये कर दूं प्लस, ये कर दूं यहां पर माइनस। अब ये v upon मेरे पास पड़ा है, इस माइनस को मैं यहां से ले आऊं इस तरफ, तो देखो ये हमारे पास एक्चुअली बन गया 1 माइनस का v upon f, तो एलसीएम कितना हुआ f, ये होगा f माइनस का v, चेक कर लो आराम से, वही सूत्र हमें यहां पर प्राप्त हुआ। तो हम तो सारे हथियार रखते हैं, हमको तो जरूरत पड़ गई फंस गए तो हम बसा देंगे, बिल्कुल, पर पहले से बसे बसाए हो तो बढ़िया बात है ना, बिल्कुल सही, तो उसे फायदा रहता थोड़ा सा, ठीक है। अब आराम से अपन क्वेश्चंस को देखो डील कर पाएंगे, तो उसमें अपने को आनंद आएगा क्वेश्चन को करते समय। अब देखो अब कुछ भी है नहीं, व्हाट विल बी द लेंथ हाइट ऑफ इमेज, आपको इमेज की हाइट निकालनी है, तो एम अपन जानते हैं, एम हमारे पास होता है क्या, देखो ये आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब काम करना शुरू करता है, ये हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट है वो 2 मिलीमीटर का है, ऑब्जेक्ट तो इसमें यहां 2 रख दूंगा पहले ही, ये लो 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 40 सेंटीमीटर है, तो आपको मालूम है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, r by 2 होती है सर, तो ये होगी 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर होगी। और दर्पण कौन सा आपका उत्तल, उत्तल लिखिए दोनों देखो जी, कॉन्वेक्स उत्तल है, तो उत्तल है तो ये बन गया ऐसे यूं जी बिल्कुल, और इसका फोकल लेंथ आपका प्लस का हो गया, मतलब लाइट जिसे इस तरह लाइट अपन इंसिडेंट करेंगे तो इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो गया सी, और ये इसका फोकस लेंथ हो गया इस तरफ, तो ये डिस्टेंस आपकी लाइट की तरफ, तो आपकी प्लस की हो जाएगी, तो ये आपकी एफ प्लस की ही है, 20 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं भी। और हमने इसको रखा कहां पर है, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ये यहां से हम लोगों ने इसको रखा है 20 सेंटीमीटर पर, यानी यू का वैल्यू हमारा है 20 सेंटीमीटर, इसकी 20 सेंटीमीटर इसकी यू है और वही इसका एफ भी 20 है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो यहाँ फॉर्मूले पता है। अब देखो हमारे पास इसमें यू और एफ है, तो इसलिए फॉर्मूला आपको चाहिए, तो मैं कहता हूं एफ अपॉन एफ, और है कौन दर्पण, दर्पण, तो दर्पण के फॉर्मूले में आपको मालूम माइनस का भी लेता हूं तो माइनस का यू, ये लो अभी याद था अच्छे से, कोई दिक्कत थी नहीं ना, तो अब आराम से घबराने आवश्यकता नहीं है, आपके पास एफ पड़ा है, अपने पास एफ माइनस यू पड़ा है, वैल्यू कंप्यूट कर देंगे, तो देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 इज इक्वल टू हम लिखें f हमारे पास कितना है 20 प्लस 20, ये भी आपका प्लस का 20, अभी माइनस, अब ये कैसा नेगेटिव अपोजिट है तो माइनस का 20 करेंगे सर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बिल्कुल, और तो 20 अपॉन 40 / 2 तो कट गया, तो 1 आ गया, 1 मिलीमीटर का आंसर आपका
आ जाएगा, फोर्थ इसका आंसर है वो टिक कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे आपको काफी सारी बातें सिखा दी हैं जो कि आपके रे ऑप्शन में तो कई क्वेश्चंस करवा देंगे। बढ़िया है सर, बिल्कुल सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। ए कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ ए कॉनकेव मिरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिपिंग बाय। तो देखो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है f, वो तो आपकी r / 2 होती है, और ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती है। बहुत खास बात है, लेंस की तो देखो म्यू पर डिपेंड करती है। बिल्कुल, क्योंकि उसके सूत्र में जो है वो म्यू आता है, लेकिन म्यू आता है पर म्यू नहीं आता, म्यू नहीं आता है। तो इसलिए इसको पानी में डुबो चाहे इसको तेल में डुबो, इसकी जो फोकस दूरी है वो परिवर्तित नहीं होती है, घटाई नहीं जा सकती। हाँ, बदलेगी नहीं तो घटेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं। तो निश्चित रूप से इसमें आपका आंसर कौन सा है सर? नन ऑफ दीज। तो फोर्थ इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो अपने पास एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकस दूरी रखी है अपने को 30 सेंटीमीटर, और किसके सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक रखा है ऑब्जेक्ट, रखा ऑब्जेक्ट मतलब रियर ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक है साहब। यदि वस्तु की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर हो तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? अब जो बातें सिखाई है ना, तो आराम से अच्छे से लगा दो और क्वेश्चन को थोड़ा लो। आपको फिर पूछा है प्रतिबिंब ऊंचाई पूछी है, मैं तो बैठ करता हूँ। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु ऊंचाई कितनी आपकी 2.5, ये लो साहब 2.5 कर दो। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, देखो आपने को दे क्या रखा है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, आपको f चाहिए तो ये लो f / f, तो दे क्या रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी, तो u दे रखा है, u दिया हुआ तो वापस तो था ना, ऐसे मैंने कहा था m = क्या है माइनस का v / u, तो माइनस उठाओ नीचे है तो नीचे लगा दो, ये तो खत्म काम हो गया। अब लो साहब इसकी वैल्यू पुट कर दे, तो f अभी हमको जाननी पड़ेगी अवतल दर्पण की, तो माइनस की होती है शायद, रियल दर्पण के लिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए माइनस 20 या 30 कर दो, खत्म कर दो, क्या दिखता है ये लो माइनस का 30 और ये माइनस का 30 माइनस u तो माइनस में होता है वैसे, बिल्कुल, और रखा है इसको 10 सेंटीमीटर पर, तो ये आपका माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस, तो एक्चुअली हो गया माइनस का 30 और कौन कितना माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2 तो ये हो गया आपका 3/2। तो h ये हमको जो फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज, तो ये आपका 3 × 2.5/2 सही लिखा मैंने, तो अब इसको गुणा करेंगे हम लोग, तो ये हो गया देखो 1.25, तो 3 ऑप्शन क्या आना चाहिए 5.6, ये कुछ गड़बड़ कर दिया अपने, ठीक है ऑप्शन में हो सकता है, अपन ने तो बिल्कुल काम सही किया है, इंग्लिश में देखते थोड़ा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा अच्छा, इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, गड़बड़ तो मिल गई ना, गड़बड़ देखो ये लिखा है कि एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और यहां लिख दी इसने फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो लफड़ा हो गया। तो हमें यहां से अगर डेटा ले तो उस केस के अंदर जो है हमारा आंसर मैच करता है, तो f हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको कर देते हैं 15 मान लेते हैं, तो 15 अगर इसको अपन कर लेते हैं तो देखो साहब इसको हम यहां से करते हैं कैंसिल, तो f कितना हुआ माइनस का 15 माइनस 15, ये माइनस का 15 माइनस इनटू माइनस का 10, ये हो गया प्लस का, तो बचा यहां पर माइनस का 5, तो हो गया 3, तो 7.5, तो ये हो गया आंसर इसका फोर्थ 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल जो सलीके से एकदम सिस्टमेटिक रूप से चलोगे तो आंसर आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे अपन पहुंचते हैं। एक कांच की पट्टिका पर साधारणतः श्वेत प्रकाश गिर रहा है, कोई हमारे पास ग्लास प्लेट है उस पर अपन डाल रहे हैं व्हाइट लाइट, तो कांच की पट्टिका के अंदर इंसर्ट द ग्लास स्लैब क्या होगा? तो देखो कांच की पट्टिका पे प्रकाश अपन डाल रहे हैं, ये मान लो ग्लास स्लैब है और इस पे हमने व्हाइट लाइट डाल दी, मान लो येलो लाइट डाल दी, अब जो कांच है ये लाइट तो व्हाइट है, कांच होता है डिस्पर्सिव मीडियम यानी
परिक्षेपी माध्यम, बिल्कुल डिस्पर्सिव मीडियम। और डिस्पर्सिव मीडियम जो होता है वो क्या करता है, अलग अलग लैम्डा को अलग अलग अपवर्तनांक यानी म्यू प्रदान करता है। और वो म्यू होता है आपका म्यू इक्वल टू वो चीज के फॉर्मूले के साथ ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और इस केस में ये अब बहुत ही काम का फॉर्मूला, ये काफी क्वेश्चंस में आपके यहाँ पर काम आने वाला है। तो जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी उसका म्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर अपन बात करते हैं विबग्योर की, तो उसमें रेट जो है उसकी लैम्डा होती है मैक्सिमम, तो उसका लैम्डा मैक्सिमम होने पर म्यू क्या होगा, मिनिमम। तो रेट के लिए जो कांच है वो कम से कम अपवर्तनांक है वो प्रोवाइड करता है, और बॉयलर जो है इसकी लैम्डा होती है आपकी मिनिमम, तो म्यू हो जाएगा इसका मैक्सिमम, तो इसका म्यू हो जाएगा आपका मैक्सिमम। अब ये चीजें अपन काफी क्वेश्चंस में काम में लेंगे, इसलिए मैं इसको पहले से आपको ढंग से बता देता हूं। अब देखो यहां जो लाइट है इसकी, ये निर्वात मान लेता हूं, तो इसकी स्पीड यहां पर है सी। अब जैसे लाइट इसमें डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, पहली बात तो आपको मालूम है यहाँ पर रिफ्रेक्शन यानी अपवर्तन होगा, और ये प्रकाश किरण है वो थोड़ी सी इस तरफ होगी डेविएट। अब अगर ये मोनोक्रोमेट लाइट होती तो एक ही तो इसमें आपका कलर होता और एक ही डायरेक्शन में सारी मूव करती, पर लाइट कैसा व्हाइट है, व्हाइट लाइट है, इसलिए सात रंगों में, बिल्कुल ये सात रंगों में विभक्त आपकी हो जाएगी। और उस केस में जो लाइट के यहाँ पे अलग अलग प्रकाश यहाँ से निकलेंगे, ये वाले प्रकाश, ये इन सब के लिए एक ही माध्यम अलग अलग प्रकार के अपवर्तनांक उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे में जो इनकी स्पीड होती है वी, वो आप लोग पढ़ते हैं सी बाई म्यू। अब जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, बिल्कुल, और जिसका म्यू कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो अभी हम देखा कि जो वॉयलेट प्रकाश है उसकी तो म्यू कैसा है, मैक्सिमम है ना, बिल्कुल, और इसके म्यू के मैक्सिमम होने पर, म्यू के मैक्सिमम होने पर उसकी स्पीड कैसी है, मिनिमम कम। इसका मतलब बैंगनी प्रकाश तो कांच में धीमा चलता है और लाल प्रकाश, और लाल प्रकाश सबसे तेज चलता है। तो अब देखो जब प्रकाश के ऊपर यहां पर डालते हैं, स्पिन करते हैं, और सारे प्रकाश मान लो एक ही लंबाई को तय करते हुए यहां बाहर निकलना चाहे, तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, तो तेज चलता है, और वो कौन आपका, लाल प्रकाश। तो लाल प्रकाश इस प्रकार के माध्यम में हाईली स्पीड से मूव करेगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला है कि लाल प्रकाश अन्य रंगों की अपेक्षा तीव्र गमन करता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है बैंगनी प्रकाश, नहीं गलत है, पीला प्रकाश तो बात ही खत्म हो गई, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो गया। बढ़िया सर, ऐसा क्वेश्चन एक दो आगे और है, उसको अपन देखें रखें अगर मिल जाए तो। जैसे ये देखो क्वेश्चन 13 वाला कि इन रिफ्लेक्शन लाइट वेव्स आर बेंट ऑन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द सेकंड मीडियम बिकॉज इन द सेकंड मीडियम, यानी कि कह रहा है कि अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने प्रकाश किरण मुड़ जाती है, क्योंकि तो देखो इसका तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, तो अपवर्तन कारण पूछ लिया। अपवर्तन में क्या होता है, जैसे प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चालें अलग हो जाती हैं, चालों के अलग अलग होने के कारण अपवर्तन होता है। इसका तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, चालें भिन्न भिन्न होती है। आगे देखो एक क्वेश्चन और इसमें होने चाहिए, वो भी अपन देखें तो सही रहेगा। एक क्वेश्चन था मुझे याद आ रहा है, अब नहीं आ रहा तो बात देख लेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, जैसे हाँ ये देखो सुना है ये वाला, ये भी ये तो आपका टी आई आर हो गया, इसका मतलब अभी वो अपने लाइफ नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, ये अपन देख लिया। ये क्वेश्चन अपना हो चुका, ये हो चुका देख। अब बनाते हैं अगले क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस विल बी। तो हमारे पास एक पारदर्शी आयताकार गुटका है जिसका अपवर्तनांक है रूट दो। जैसे ये मान लो अपने पास ये कोई एक कांच का टुकड़ा है जिसका अपवर्तनांक, इसका जो म्यू है वो आपको दिया जा रहा है रूट टू, और इस पे आपतन कोण 45 डिग्री के साथ, मान लो ये नॉर्मल है कोई, और इसके साथ कोई लाइट है वो
नॉर्मल के साथ 45 डिग्री कोण पर, जिसको अपन कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, पे लाइट गिर रही है, तो उस केस में परावर्तित और अपवर्तित किरणें, जो प्रकाश किरण होती है परावर्तित, वो तो परावर्तित नियम फॉलो करती है, उस केस में तो उतना ही कोण आ जाएगा, वो तो आपका 45 डिग्री का ही हो गया। तो ये होगी आपकी परावर्तित प्रकाश किरण, रिफ्लेक्टेड रे बन गई, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित प्रकाश किरण। अब जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम प्रवेश करेगा, वो देखो जा रहा है विरल से सघन में, तो वो क्या करेगा, अपने मूल पथ से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और उस केस में ये कोण आपका बन गया अपवर्तन कोण आर। इसको हम निकाल पाएंगे अपवर्तन के नियम से, जिसको अपन कहते हैं स्नेल का नियम। उस केस में देखो ये अपन माले निर्वात, तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1, तो उसमें अपन ऐसे लिखो देखो इसको कि इसका अपवर्तनांक कितना 1 into sin 45, इधर है ना mu1 sin i equal to mu2 sin r, जिस माध्यम की बात करते हो उसी माध्यम का mu, उसी का एंगल ले लो, तो दूसरे माध्यम उसका ले लो, तो यहां कितना था 1, तो mu है 1 into sin 45 का मतलब 1 upon root 2 is equal to, इसका अपन रखा कितना root 2, तो mu root 2 into sin r, यानी यहां मैं गलती कर बैठा, देखो ये है का sin r है, यहां मैं लिखता हूं sin r है। अब देखो ये रूट टू यहां से चलाओ तो 1/2 हो गया ना, तो एक्चुअली हमारे पास साइन आर का वैल्यू आ चुका है 1/2, और साइन आर अगर 1/2 है तो आर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये कोण आपका 30 डिग्री का है। अब ये जो प्रकाश किरण है इसको अपन बोलेंगे अपोजिट प्रकाश किरण, यानी रिफ्रेक्टेड रे बन गई, ये है आपकी रिफ्रेक्टेड रे। अब ये तो है रिफ्लेक्टेड या आपकी रिफ्रेक्टेड, आपको इसके बीच में यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब देखो ये पूरा एंगल कितना 180 का है, जिसमें से 45 और 30 अपन, ये 30 हो चुका देखो, तो ये 45 और 30 कितना हो गया 75, इसको अपन 180 से कर दें माइनस, तो एंगल आपका हो गया 105। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वेसल ऑफ डेप्थ 2d सेंटीमीटर्स हाफ फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 and the upper half with a liquid of refractive index mu 2, the apparent depth of the vessel seen perpendicularly is, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि हमारे पास ये कोई एक कंटेनर है, कोई ये कंटेनर साहब देखो, और इसको अपने पूरा भरा हुआ है, दो मीडियम है टोटल, डी इसकी डिस्टेंस है 2d, ये डिस्टेंस आपकी डी है, ये भी कितनी है डिस्टेंस डी है, और यहां मान लो अपन ने रखा है कोई एक ऑब्जेक्ट, उसको ऊपर से अपन देख रहे हैं, तो जो ये तो इसकी अब रियल डेप्थ है, तो वर्चुअली यानी इसकी जो इमेज यहां कहीं बनने वाली है वो कितनी इसकी आपको दिखने जा रही है, तो ये इसको अपन कहते हैं इसकी डी कौन सी अपरेंट। अब टोटल डी अपरेंट किसकी है, दो बार इसका दो मीडियम है, ये आपका मान लो म्यू 1 है, ये आपका म्यू 2, तो डबल इसका होगा ये प्रोसेस, तो इसमें एक तो फर्स्ट की अपरेंट कितनी होती है डी 1 बाय म्यू 1, और ये होगा आपका d2 by μ2, और d1 कितना है d, और d2 भी कितना आपका d, तो d अपन ले ले कॉमन, तो d into आ जाएगा 1 upon μ1 plus 1 upon μ2, ये इसका आंसर आपका आ जाएगा, तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। ये बार ये होता है कि टोटल d था उसका d by 2 करेंगे, तो उस केस में देखो हम क्या करेंगे, यहां पर ये d by 2 ले लेंगे, तो यहां d by 2 आंसर आपका आ जाएगा। अब दो मीडियम है, तीन है, तो उसको 1/μ1 + 1/μ3 कर देंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप यहां फॉर्म हो सकते हैं। तो अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन है, ए फिश इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ये आपको जो म्यू है वो दे दिया अपने को n, लुक्स एट ए बर्ड वर्टिकली अबव इन द एयर, ठीक है, इफ y इज द हाइट ऑफ द बर्ड and the x is the depth of the fish from the surface, then the distance of the bird as estimated by the fish is, fish यहाँ पे observer बन गया, वो देख रहा है, सब कुछ देखता है fish, देखो, तो इसको देखेंगे क्वेश्चन को, मान लो ये हमारे पास कोई एक तालाब है, और इस तालाब के अंदर कोई यहाँ पर एक fish है, ये fish है मान लो यहाँ पर, और इसकी डेप्थ दे रखी है अपने को x, बिल्कुल, और यहां पर एक है कोई बर्ड, ये पक्षी है,
और ये दर की हाइट अपने को वाई, और जो ये अपने पास लिक्विड है, मीडियम है, वाटर है, इसका दर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है किसकी, बर्ड की, रेस्पेक्ट टू फिश, जो फिश को दिखाई दे रही है, आभासी वाली। तो फिश जिस मीडियम में है वो तो आपको वैसे की वैसे दिखने वाली है, और ये डिस्टेंस जो है वो अब आपके रिफ्लेक्शन से कुछ बदलेगी। बिल्कुल। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, इसने देखा वो क्या दिखा, इसने देखा वो क्या दिखा, कहाँ दिखा। बिल्कुल। तो आपको जैसे इसमें सिंपल सा एक फंडा ध्यान रखना चाहिए कि जिसको अपन देख रहे हैं वो है कहाँ, जिसको अपन देख रहे हैं वो कहाँ है। जैसे अपन मान लो हमारे पास एक पानी से भरा कोई पात्र है, उसमें सिक्का डाल दिया, सिक्का ऊपर दिखता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है, इसका मतलब वहां जो आपकी अपेरेंट डेप्थ है वो तो कम हुई ना, और कम तो रियल थी आपकी, उसमें भाग देने से आएगी म्यू का, तो डी अपॉन म्यू होती है। यदि मान लो अपन देखते हैं एरोप्लेन उड़ते रहते हैं, तो एरोप्लेन होते तो पास ही दिखते बहुत दूर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। है तो पास में दिखते बहुत दूर है, इसका मतलब वो डिस्टेंस बड़ी है, तो वहां जो अपेरेंट हाइट होती है वो रियल से कुछ ज्यादा होती है, वो तो म्यू से गुणा करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो है कि या तो आप देखो, या तो डी बाई यू म्यू, और यह कितना म्यू इंटू डी, दो फॉर्मूले हैं, कब कौन सा लगाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहां हैं, किसको देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वो है कहां पर, वो आपका डेंसर मीडियम में है, तो कम डिस्टेंस डी बाई म्यू आ जाएगी, और अगर वो दे रखा है अपने को कौन सा रेरर में, तो आपको दिखने वाला वो कैसा दूर होगा, यानी म्यू इंटू डी कर देंगे। आप सुनो, ये अगर फिश का निकालना ना, तो द डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड बाय फिश रेस्पेक्ट टू बर्ड, यानी बर्ड को अपन देख रहे हैं, यानी सिंपल सी बात है, वापस बोल दूं उसको, कि फिश द्वारा पक्षी की देखी गई दूरी आवासी में कौन आसान में पता सिखा दे वो कितने, देखो खुद की तो दिखने वाली है ये एक्स, पर देखो अब वो कहां पर है, वो रेरर मीडियम में, तो जितना है उसे और ऊपर दिखाई देगा, इसलिए इसको अपन कर देंगे कितना एन इंटू वाई। यदि ये देखता है इस फिश को, इसके बाद से आप क्या रहे हो, तो इसको क्या देखा, वाई तो है ये, तो वाई प्लस कितना एक्स अपॉन म्यू कर देते, और म्यू हमारे पास कितना यहाँ पर एन। तो बेसिकली बस सिंपल एक प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में टाइम अपने को लगा दिया ढंग से, तो ये फॉर्मूले कब काम में लेते हैं अगर पता ही नहीं है, तो फिर पढ़ने का सारी क्या रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, आपका आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2×10⁸ मीटर पर सेकंड, द स्पीड इन वाटर विल बी, कोई इश्यू नहीं है, स्पीड आपको वाटर पूछी है बहुत ही दे रखी है, तो कहां अपन जानते हैं लाइट की, तो स्पीड वाटर की, सॉरी छोड़ो इस काम को, हम निकालते हैं v को, तो c अपॉन μ होता है, तो c तो हमारे पास है कितना 3×10⁸, और ग्लास का μ होता है कितना 4/3, सही है भाई, तो फ्री यानी 9/4 हो गया, क्या 9/4×10⁸, और ये अपन भाग देंगे तो 2.25 इसका आंसर आपका आ जाएगा। पानी के लिए बात कर रहा है, हाँ पानी में, कांच भी है पानी में, दोनों, हाँ वो दोनों, तो जैसे हाँ मैं इसी बात को तो देखो मैं कह रहा था, सुनो बात है, रिलेटिवली हाँ ले लिए मैंने, क्या अब जैसे अपने पता है भी सी होती है दे रखी है ऊर्जा जाने के लिए, आप दोनों का सापेक्ष निकालो, वहां से पहले उसमें जाओ, उसका रेशियो निकालो, जब पता है कि भाई देखो ध्यान सुना, इसमें मैंने क्यों ऐसा कर पाया, मैं ये कह रहा है कि कांच में इसकी तरह की स्पीड कितनी 2.0×10⁸, तो अगर मैं ऐसे कहता हूं कि v in glass तो कितना c upon mu होता है ना, तो mu कितना 1.5 आ गया इससे, बिल्कुल। या अगर मान लो इसका पता है दे रखा अगले, तो अपन c निकालेंगे, c कितना है भाई, विशेष c की तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, कि निर्वात उसकी हम क्या करते हैं, हम पहले इसके डाटा से अपने पास v दे रखा है ग्लास का, अपने पास mu मालूम है दे रखा है, तो अपन c निकाल पाएंगे, तो c यहां दिख गई मुझे पहले से कि 2 है, इसका मतलब कितना आपका 3×10⁸ आएगा, वो होता है इतना ही है, इसलिए मैं इसको सीधे ले उड़ा, या सर हम लोग इसको ऐसे भी चाहे, बिल्कुल v1/v2 μ2/μ1, हां बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, आप चाहे तो ये इस्तेमाल कर लीजिए या ये जो सर ने किया है वो इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम प्राप्त होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं कि एक समतल कांच की पट्टी का बहुत सारे रंगीन अक्षरों के ऊपर रखी हुई है, तो कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। अब इसकी भी अपन आधारभूत बातें हैं वो कर चुके हैं थोड़ी सी,
थोड़ा इसको और समझ लेते हैं, पर पूछा क्या उसको ढंग समझना कि सबसे कम उठावा कौन दिखेगा, सबसे अधिक उठावा कौन दिखेगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि आप जानते हो कि मान लो ये कोई हमारे पास से ग्लास प्लेट है, प्लेट मान ली मैंने से, और इस प्लेट के नीचे कुछ अक्षर, मान लो ये कुछ अक्षर है, कोई एक अक्षर ये वाला है, ये अक्षर कोई ऐसा है, ये कोई अक्षर दे दिया मैंने ऐसे, कोई अक्षर मान लो ऐसे है, ये अक्षर आ गए, इनको अपन ऊपर से ये सरफेस पर रखे हुए ऐसे, और इनको अपन यहां से देख रहे हैं, ये तो बात आई ना। अब इसमें देखो ये जैसे मान लो कि ये इसकी हाइट है वो एच है, डी मान लेता हूं, तो डी तो क्या इनकी रियल डेप्थ है, डी क्या इनकी रियल डेप्थ है। अब जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये मान लो यहां से यहां उठा हुआ दिखाई दिया, कोई यहां दिखेगा, कोई यहां से, तो कहां कैसा दिखता है वो सब आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो हमने अभी कहा कि डी जो आपका अपेरेंट है वो है कितना, डी बाई म्यू, जिसको अपन देख रहे हैं वो है कहां, डेंसर मीडियम में, डेंसर में है तो अपन क्या डी अपॉन म्यू यूज करेंगे, अगर मान लो बाहर होता फिर देखते तो अपन म्यू टू डी करते, भाई दोनों काम की बातें हैं, यानी ऊपर अब एरोप्लेन है वो अलग कलर के हैं, उसको अपन देख रहे हैं वो कहां कौन सा ऊपर दिखेगा, उसकी बात को भी यहां अटैच कर सकते हो। तो डी अपॉन हमारे पास है डी अपॉन म्यू, अब देखो डी अपॉन म्यू में जो म्यू होता है उसको मिलता हूं ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, कोशिका सूत्र, बिल्कुल जो कोशिश का फॉर्मूला है उसको अपन यहां लगाते हैं, उससे अपन उसको कंपेयर कर पाएंगे। तो ध्यान दो जैसे a अपॉन b लैम्डा स्क्वायर है, पहले बात तो d अपेरेंट का मतलब क्या, मान लो अपने को कोई यहां ऑब्जेक्ट था और ये पहले इसकी d रियल है और मान लो इसकी इमेज आपको यहां दिख रही है, तो ये इसकी d अपेरेंट है, ये आपका d अपेरेंट है, एक बात को समझ लो, मान लो a तो d अपेरेंट की वाली है, एक मान लो मैंने यहां रखा ऑब्जेक्ट उसकी d अपेरेंट मैं मान लो तो ये मान लेता हूं इसकी d अपेरेंट ये है, ये d अपेरेंट मान लो 2 है, इसको मैं d अपेरेंट कह रहा हूं 1, पहले इसमें देखो आप यहां ऑब्जेक्ट था यहां दिख रहा है, यहां था यहां दिख रहा है, तो अधिक उठा हुआ कौन दिख रहा है, देखो ये तो इतना ऊपर उठ गया ना, ये इतना ऊपर उठा, तो अधिक उठा हुआ कौन दिखा अपने को, सेकंड वाला, कम उठा हुआ कौन दिखेगा अपने को, फर्स्ट वाला। तो पहले तो समझना पड़ेगा ऊपर उठा हुआ दिखना मतलब क्या है, कैसे उसको अपन फील कर पाएंगे, तो ये अपने पास आ गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज था कि सबसे कम उठा हुआ कौन दिखेगा, तो आप आंसर किसका करोगे, उस वाला फर्स्ट करोगे ना, सबसे कम की बात कर रहा है मतलब इसकी बात, ये वाला कर रहा है। अब ये किसका कैसे होगा उसको अपन अब सीख लेते हैं। अब ध्यान दो d सब की बराबर है, म्यू अपन देखें तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, ध्यान दो d आपको निकालनी है तो आपका आंसर तो d अपेरेंट है ना, देखो ये कम उठा हुआ दिखा तो d जिसकी ज्यादा होगी अपेरेंट ज्यादा होगी, जिसकी d अपेरेंट ज्यादा होगी वो तो आपको लेना है ना, यानी आपकी बस जैसे स्टार्टिंग अब यहां पता लग गई, जिसका d अपेरेंट है वो ज्यादा है वो कम उठा हुआ दिखाई देगा, तो इसकी अधिक होने का मतलब म्यू कम होना चाहिए, और म्यू कम का वजह लैम्डा उसका अधिक होगा, और लैम्डा अधिक किसका होता है, रेड का। अब बाकी तो अपन देखते हैं ऑप्शन क्या है, उसमें आते देखो हमारे पास ब्लू है, बैंगनी है, हरा और लाल, तो लाल तो हो गया बस, बिल्कुल तो इसका आंसर आपका फोर्ट हो जाएगा। बढ़े आगे आते अपन नेक्स्ट में, इन रिफ्लेक्शन लाइट वेव्स आर बेंट, ये तो अपन ने पढ़ लिया, बढ़े आगे देखो light travel into media A and B with speed of this and this, then the critical angle between them is TIR का ये प्रश्न, TIR का इसमें प्रश्न आपका बन गया। दो माध्यम है A और B, तो देखो इस माध्यम की स्पीड ये है, इसकी स्पीड है आपकी ये वाली, इसका मतलब ये स्पीड कम है तो ये डेंसर मीडियम है, और वहां स्पीड अधिक है तो कौन सा आपका रेयर मीडियम है, बिल्कुल। तो प्रकाश जो है उसको कैसे जाना चाहिए, डेंसर से रेरर में, तभी होगा, इसका मतलब ये फर्स्ट मीडियम होगा, सेकंड मीडियम होगा। अब अपन को फाइंड करना है कि इनकी क्रांति कोण का मान कितना है, तो देखो मैं आपको इसकी बात आपको सिखा दूं, जैसे जो TIR हम लोग पढ़ते हैं जी, तो TIR तो मान लो जैसे कोई ये अपनी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जैसे दो मीडियम है उसको आपका इंटरफेस मान लो, आप इंटरफेस है ये फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, ये मान लो डेंसर है और ये आपका रेयर मीडियम है, ये मान लो नॉर्मल है, यहाँ लाइट अपन ने की इंसिडेंट, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई, पहले वाला एंगल यहाँ था इसके ऊपर बढ़ाते गए, तो इसके लिए मान लो ये थी पहले रिफ्रेक्टेड लाइट, ये इसका आपतन कोण है, ये इसका है अपवर्तन कोण, आप इसको बढ़ाते गए तो ये बढ़ता गया,
जैसे ही मान लो इसका एक स्पेशल एंगल लिया, उस स्पेशल एंगल पे मैं इसी को मान लो ऐसे कर दूं कि ये कोई एंगल था एक, उस एंगल को हम कह रहे हैं यहां पर आई सी या सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जो लाइट अब हो रही है यहाँ पे रिफ्रेक्टेड, वो क्या हो जाती है इस इंटरफेस के ठीक हो जाती है पैरेलल। तो इस कंडीशन को, बिल्कुल इस कंडीशन को हम कहते हैं TIR की क्रिटिकल कंडीशन, जहां पे आपका आर हो चुका है 90 डिग्री। अब देखो इसमें पर लगाते हैं स्नेल का नियम लगाते हैं, तो वो तो क्या होता है ये पहला मीडियम दूसरा मीडियम, तो इस पहले मीडियम में कितना म्यू, तो कितना मान लो इसका मैं म्यू करता हूं म्यू, ये तो डेंसर मीडियम है तो इसका म्यू 1 तो चलो मैं म्यू मान लेता हूं, इसका म्यू 2 है उसको मैं म्यू मान लेता हूं, ये चाहे म्यू 1 म्यू 2 मान लो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू 1 मान लो इसको म्यू 2 मान लो, यदि म्यू 1 मान लेता हूं तो क्या लिखूं देखो, म्यू 1 sin IC, म्यू 1 sin IC is equal to हो गया म्यू 2 sin 90 डिग्री, r का वैल्यू है, तो ये एक्चुअली हमारे पास बन गया। देखो इसको मैं ऐसे लिखूं sin IC is equal to म्यू 2 by म्यू 1। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, देखो तो ये जो बात अपन ने यहां सीख ली, अब म्यू 2 by म्यू 1 है तो ध्यान देना म्यू 2 कैसा है डेंसर का है, म्यू 1 कौन सा, म्यू 2 कौन सा आपका एयर का है, इसको अगर मैं 1 मान लूं तो ये म्यू बन सकता है, बिल्कुल तो सारा मानने पर डिपेंड करता है। अब फिर देखो ये जो हमारे पास sin IC का फॉर्मूला बना, जिसको मैंने कहा यहां पर देखो म्यू 2 by म्यू 1 या इसको मैंने लिखा हुआ ना अपॉन म्यू। अब बात देखो कि साइन जो आईसी है साइन थीटा भी, इसका वैल्यू कभी भी एक से बड़ा पॉसिबल नहीं है, एक से बड़ा पॉसिबल है नहीं, और ये साइन आईसी में भी साइन आपका 90 से छोटा है, ये खुद भी एक से छोटा है, साइन आईसी में साइन आईसी है वो आपका 90 तो है ही नहीं भी, 90 होने पर इसका मान 1 होता तब इसका वैल्यू आपका आता मैक्सिमम 1, अभी साइन आईसी है वो एक से छोटा है तब एक से कम है तो ये रेशियो भी आपका ऐसे कम आएगा, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू है, और ये देख लो आप यहाँ ये बड़ा था ये छोटा था। अब देखो जो भी आप इसमें बदलेंगे, यदि मैं इसको लिखता हूँ स्पीड के रूप में तो क्या लिखूं इसको, तो c अपॉन v2 देखो अपॉन यहाँ इसको अपन लिखेंगे कितना c अपॉन v1, तो ये आपका हो गया देखो v1 by v2। अब ध्यान सुनना कि v1 डेंसर मीडियम की स्पीड, यहाँ इसकी स्पीड कौन सी v1 है और ये स्पीड आपकी दूसरे मीडियम में, यहाँ जो स्पीड कौन सी आपकी v2 है, तो डेंसर की स्पीड कम होती है, रेडियल की कैसी होती है ज्यादा होती है, तो अपन क्या लेते हैं ज्यादा, बिल्कुल तो बिल्कुल यहां से बात को पकड़े आप, ये एक से कम है तो लेस मोर, लेस मोर, तो जब भी आपके पास दो म्यू दे रखे हो, दो आपके पास दे रखे हो स्पीड दे रखी हो, आपको निकालना हो क्रांति कोण निकालना हो, बिल्कुल है तो हमेशा एक से कम आएगा, तो कितना देखो लेस अपॉन मोर ही आपको डिवाइड करते हुए आंसर को ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। अब भी हमारे पास दो डाटा थे तो सर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.8 हाँ, क्या आया 1.8 और 2.4 3.5 लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड, यहां देखो इसका हां बिल्कुल मिड पॉइंट पे इसको अपन कर रहे हैं एज ऑन द फिगर, तो क्या पूछा भाई, अच्छा लाइन एक नीचे रह गई, द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर व्हिच द लाइट रे ग्रेसेस अलोंग द वॉल ऑफ द रोड, तो लाइट को अपन यहां से की इंसिडेंट ये यहां पे फिर यहां हो रही है जो भी हो रहा देखेंगे अभी, तो लाइट फाइनली तो इसका पाथ आपको ऐसे यू है ये पाथ है बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए थीटा है वो कितना होना चाहिए, चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को सर पढ़ चुके हैं जी, करें इसको सॉल्व जी सर, तो देखें क्वेश्चन था इसका इस तरह से कि जो डायग्राम जो है ना वो आपने देखा थीटा उस तो दे रखा है म्यू अपने को 2/√3, तो चलो बढ़ते आगे, जैसे इस प्रकार का अपने पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है कांच का बना, कांच का बना ये कोई नॉर्मल है जी, जिसके साथ थीटा एंगल पर
थीटा एंगल पे वो लाइट है वो और ये इंसिडेंट, और उसके बाद वो यहाँ पे गिर रही है और ये इसका हो गया ग्रेजिंग, यानी पृष्ठ स्पर्शी इसका निर्गत हो गया, क्रांति की स्थिति बिल्कुल। ये कहानी दवाई और हम इनको इसका दे रखा है म्यू, इसका वो है दे रखा है 2/√3। तो यहां तो आपका सामान्य अपवर्तन है और दूसरी सरफेस पे यानी इसको अपन ऐसे मान लें ये तो है फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट तो आपका नॉर्मल हो गया रिफ्रेक्शन यानी अपवर्तन, दूसरा हो गया TIR, यानी फर्स्ट तो आपका है रिफ्रेक्शन और सेकंड आपका TIR। तो अब यहां पे पर लगाते हैं इक्वेशन, तो ये तो आपका वायु माध्यम, फिर माध्यम से वायु जी, तो इसके लिए अपन लिखे इक्वेशन में क्या लिखूं, वन साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू आपका है 2/√3 और इस एंगल को अपन मान लेते हैं आर जी, तो इसके आर होने पर 90-R जी है ना, बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया, इसमें आपका 90 डिग्री का है यार और ये 90 माइनस है आर, और इसका जो आर डेज में करता हूं वो कितना है 90 डिग्री, बस इतना काम है लेना है। तो sin थीटा इक्वल टू 1/√3 into कितना जो sin r इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब बात करते हैं अपन इस सेकंड वाले प्रोसेस में, यहां आपका है TIR, कोई दिक्कत नहीं उसको भी पर 90 से लेके इसको मान लेता हूं सिंपल ऐसे, तो ये मेरे पास जो कितना आया म्यू तो आया 2/√3 into sin 90 माइनस r, तो बन गया cos r बिल्कुल इज इक्वल टू ये आपका 1 into sin 90 यानी 1 into 1 बिल्कुल, तो ये हमारे पास इसके देखो वैल्यू आई। अब हमको इसमें पूछा क्या है सर जी, इसमें पूछा अपने को थीटा पूछा है, थीटा अपन कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो ही क्वेश्चन आ गए, ये साइन के रूप में है ये हमारे पास ये है, तो कर दे इसमें साइन गुड़ा दे जी हां बिल्कुल, यहां से हम लोग आर का वैल्यू जो है निकाल लेंगे बिल्कुल, यहां से आपको आर का वैल्यू दिख गया देखो, ये तो आ गया देखो ये तो साइन, तो ये हो गया आपका cos r बराबर √3/2, तो ये हो गया आपका r मतलब 30 डिग्री, तो इससे हमने देखो ये r निकाल लिया वो हो गया 30 डिग्री, अब 30 को अपन यहां पुट कर देंगे तो देखो sin r 1/2 तो ये 2 नीचे आ गया, क्या सब कैंसिल हो गया तो 1/√3, तो इसका मतलब साइन थीटा आपको मिल गया साइन थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा कितना साइन इनवर्स 1/√3 साइन इनवर्स 1/√3 4th इसका आंसर आपका सही हो जाएगा बिल्कुल, कोई घबराने की जरूरत नहीं है सिंपल, आपको अपवर्तन की जो सरल नियम माननी चाहिए म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, बढ़िया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a green light is incident from the water to the air water interface at the critical angle theta, select the correct statement, hamare paas green light hai jisko apan light ko dal rahe hain is par water air interface par aur critical angle de rakha aapne ko theta pe dala hai sir, to isme kya hoga, to bilkul isko samajhna padega तो समझे, तो देखो भाई मान लो हमारे पास ये कोई सरफेस है, ये कोई डेंसर मीडियम है वाटर और ये मान लीजिए अपन क्या है, ये है एयर है, ये तो है एयर और इसको हम लोग मान रहे हैं वाटर मान लिया। अब TIR के लिए जो रे है वो आपकी डेंसर से रेयर में एंटर करनी चाहिए, तो कोई इशू नहीं, मैं इसको मान लेता हूं यहां पर एक नॉर्मल और ये लाइट है व्हाइट लाइट, इसको अपन कर रहे हैं यहां पर इंसिडेंट व्हाइट लाइट में सारे कलर आपके हैं विब्यो और सारे इसमें लाइट के कलर्स हैं वो प्रेजेंट है येलो साहब। अब जैसे अपन ने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि साइन आई जो होता है वो है 1/μ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें इसका जो म्यू है उसको अपन मान रहे हैं 1 और इसका म्यू हम म्यू ही मान रहे हैं, उस स्थिति में अपने पास की कंडीशन थी। अब देखो जो साइन आई सी में लिखूं तो 1/μ जो है वो इसका है मीडियम का वो है a+b/λ² इस रूप में इसको मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान दें अब कि
जो आई सी है, जैसे मान लो अपने लाइट में यहां से इसको कर रहा था इंसिडेंट, मान लो लाइट में यहां से इंसिडेंट करी, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको अपन बढ़ाएंगे तो टी आई आर होगा। बिल्कुल, तो किस रंग का कैसा टी आई आर होगा, कम होगा ज्यादा होगा, इसको पहले हमको समझना पड़ेगा। तो देखो कि यहाँ पे जो साइन जो आई सी कम से कम किसका होगा उसकी मान लो बात यहां से पकड़ता हूं, तो कम से कम किसका होगा उसको देखना, मुझे कम से कम किसका उसको देखना हो तो म्यू उसका अधिक से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल, और म्यू अधिक से अधिक होने के लैम्डा क्या होनी चाहिए, कम से कम। तो जिसका लैम्डा कम से कम है, यानी लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, वो किसकी है, वॉयलेट की। वॉयलेट का, तो ध्यान दो अभी कि वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम, उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और उसका क्रांति कोण सबसे कम होगा। यानी जैसे अपन यहां लाइट की आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, व्हाइट लाइट में सारे अभी साथ ही हैं, जैसे इसको अपन बढ़ाना शुरू करेंगे तो जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन से रंग का होगा, बैंगनी का होगा। बैंगनी प्रकाश सबसे पहले टी आई आर शो करेगा। तो उसमें अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमने बैंगनी प्रकाश नहीं, यहां तो रेड लाइट सॉरी ग्रीन लाइट है उसका हो चुका है, ग्रीन लाइट यहां से पास हो रही है, आपके प्रश्न के अनुसार तो ग्रीन लाइट यहां से पास हो रही है, ये देखो ग्रेजिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपने आपतन कोण बढ़ाना शुरू किया था तो उस समय सबसे पहले वॉयलेट आपका टी आई आर शो कर चुका है, इंडिगो भी कर चुका है, ब्लू भी कर चुका है, ग्रीन का होने वाला है टी आई आर, जस्ट उसी क्रांति अवस्था में है। तो किसका नहीं हुआ, शेष का नहीं हुआ। इसका मतलब इन तीन रंगों का अभी भी टी आई आर नहीं हुआ है, वो तो अभी भी रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। तो जो लाइट इस तरफ निकल रही है वो देखो वो कैसी है, वो आपकी अलग अलग बीम के रूप में है, पर यहां जो प्रकाश नीचे निकल चुका है वो कौन सा है, उसमें तीन कलर है, वी आई और बी। अब देखो ये तो है क्या आपका परावर्तन है, बिल्कुल वो है अपवर्तन, फर्क है इनमें। परावर्तन में जैसे इस एंगल को मैं यहां ले रहा हूं आपतन कोण आई, तो आपका परावर्तन कोण भी आई है, तो जो प्रकाश यहां आपको जो नजर आएगा वाटर के अंदर वो सारे एक बीम के रूप में आएगा, मिक्स में आएगा साथ आएगा, एक ही दिशा में निकलेगा, पर यहां होगा इसका डिस्पर्जन हो गया और अलग अलग चाल अलग अलग जो आपका प्रकाश है अलग अलग रंग जो है उनके लिए अलग अलग शो करेगा ना, तो उस केस में ऐसे आएंगे। जिसमें तो सबसे अगर बात करता हूं तो ये आपका है देखो रेड, ये है ऑरेंज और ये आपका वॉयलेट, इनका फिर टी आई आर जैसे और एंगल बढ़ाओगे सबसे पहले उसके बाद ग्रीन के बाद कौन सा वॉयलेट सॉरी आप येलो उसके बाद ऑरेंज फिर आपका रेड है, वो इस तरह से टी आई आर शो करते करते लास्ट में नीचे आ जाएंगे। तो ये इसका पूरा व्यू है। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर ग्रीन लाइट इसमें ग्रेजिंग हो रही है तो बाहर यानी वायु में कौन से कलर आपको नजर आएंगे, रेड ऑरेंज और येलो, और वाटर में कौन से आएंगे कैसे आएंगे, पूरा व्यू मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर अपन ऐसा इसमें करते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम आउट ऑफ द वाटर, पूरा बाहर वाटर में निकल गया, वाटर से बाहर निकल गया, तो नहीं निकला ऐसा, तो ये तो गलत है। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट विल कम आउट ऑफ द एयर मीडियम, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। अच्छा फ्रीक्वेंसी बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बात छोड़ देते हैं उसमें, देखो इसी को बिल्कुल इसी को यस रेड जो इसका वेवलेंथ है ज्यादा बिल्कुल, यानी इसी में अपन इसमें लैम्डा जो इसका जो लैम्डा क्या होता है मिनिमम जी बिल्कुल, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है मैक्सिमम। तो देखो कि बाहर कौन से हैं, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो तो कैसा बाहर निकल रहा है, वो जो ज्यादा वाला वो तो वाटर में वापस से आ रहा है। तो सर कौन सा इसका आंसर हुआ फिर, ग्रीन लाइट विल कम आउट ऑफ द एयर मीडियम। तो ये कह रहा है कि दृश्य प्रकाश का वह स्पेक्ट्रम जिसकी आवृत्ति हरे प्रकाश से कम है वह पानी से वायु माध्यम में, बिल्कुल सही है, तो यही इसका आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। तो बहुत ही पहला क्वेश्चन देखो हो गया, बढ़े आगे जी सर बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान में मर्ग मरीचिका का कारण क्या है, मिराज फिनोमेनन ड्यू टू, तो ये किसका आंसर होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ये तो बेसिक बच्चों को याद होता है कर लेंगे। हाँ तो अलग क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, कि लाइट बीम इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रीजन फर्स्ट टू रीजन फोर, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन रीजन 1, 2, 3, 4 आर, इधर रखिए आपको n0 n0/2, यानी अभी क्रम से कम होता जा रहा है, रेस्पेक्टिवली कम हो रहा है,
the angle of incidence theta for which the beam just misses entering the zone for missing or ये उसके देखो ये कह रहा है कि हम ये थीटा कितना लो ले हैं जिससे कि जो लाइट रे है वो इसमें यानी फोर्थ रीजन में प्रवेश करने से ठीक बच जाए यानी एक तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रांति का अवस्था हो गई। तो ध्यान दो ये एनोड एनोड बाय टू ये आपका सघन माध्यम है ये विरल माध्यम है ये डेंसर है वो आपका कौन सा है टेरा मीडियम है। तो अब जो लाइट है ना यहां से इसको गिरेगी तो ये इसका देखो हो गया आपका नॉर्मल। तो जब लाइट सघन माध्यम से विरल प्रवेश करती है तो देखो दूर ये इसका है नॉर्मल है ना। अब जो अभिलंब से दूर हटेगी अभिलंब से दूर हटेगी तो इसका जो पाथ होगा ना ये लाइट है इसका पाथ वो यूं हो गया पाथ पहले पड़ी। अब जो ये फिर इस पे इंसिडेंट होगी तो अब ये इसकी तुलना में सेकंड वाला फिर कौन सा बरे रहा है ये आपका जैसे इसको मैं अगर यहां बना दूं इस मीडियम को इसको मैं यहां ले लूं मान लो ये लो तो इसका पाथ ये होना चाहिए पर ये तो और थोड़ा सा नॉर्मल से हटेगा ये और हट गया भाई कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ये अपने पास मीडियम आ गया ये लाइट मान लो यहां पे इस पे होगी इंसिडेंट। अब ये जो फोर्थ वाला है यानी जब आप इसमें इस माध्यम से दूसरे में प्रवेश करेंगे तब कंडीशन क्या है कि लाइट इसमें प्रवेश नहीं करनी चाहिए। तो ये कब प्रवेश नहीं करेगी जब यहां क्या हो जाए इसका ठीक यानी ये कोण आपका आईसी बराबर हो जाए तो लाइट आपकी यहां से 90 पे निकल जाएगी तो इसका प्रश्न स्पर्श से आपका हो गया निर्गमन हो गया। तो ये कंडीशन आपसे पूछी जा रही है। अब इसमें आप चाहे यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां अप्लाई करोगे कोई इशू नहीं बीच के लफड़े पड़ो ही मत आप सीधे यहां से यहां तक लगा दो इसमें स्नेल का नियम। तो यहां देखो अपने पास था एंगल कितना थीटा और ये था आपका एन नॉट और यहां था इसमें लास्ट वाले में कितना एन नॉट बाई एच। तो देखो एन नॉट इन म्यू साइन थीटा इक्वल टू वहां लास्ट में कितना एन नॉट बाई एट इन टू वहां साइन 90 हो चुका है साइन 90 का मतलब वैल्यू हो गया आपका 1 ये एन नॉट से एन नॉट कैंसिल ये हो चुका आपका 1 तो साइन थीटा इज इक्वल टू देखो 1 बाई एट तो थीटा कितना होगा सर साइन इनवर्स 1 अपॉन एट। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो इसका आंसर आपका हो गया सेकंड। ठीक है बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a point source of light is kept at a depth of h in water of refract index 4/3 the radius of the circle at the surface of water through which light emits। to ye aapka ek question aa gaya dekho ki jaise maan lo ye koi apne paas ek water ki surface hai aur ye pani se bhara hua hai aur maan lo yahan pe hum koi source maan le ek paas ka koi srot maan source maan le प्रकाश क्यों निकल रहा है तो ये देखो यहाँ ये नॉर्मल बना रहा हूं ये पूरी थ्योरी आप ढंग से पढ़ते आप देखा होगा कि लाइट जैसे इसको अपन यहाँ से इस तरफ कोई लाइट गिर रही है ये आपतन होगा यहाँ इसका हो जाए मान लो इस कंडीशन में लाइट मान लो यहाँ गिर रही है और ये अगर इसका एंगल कितना आईसी के बराबर है तो लाइट आपकी यहाँ से इस तरफ पास हो जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई फिश मछली है और कोई मान लो मैन यहाँ से आ रहा है मान लो कोई तालाब है और कोई मैन यहां से आ रहा है तो यहां कोई मैन है तो उसकी भी लाइट इस फिश के पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल यानी जो फिश है मछली है वो यहां बैठे बैठे पूरे संसार को देख सकती है। ओनली देखो लाइट तो यहां से आ रही है इसका पाथ है लाइट का। तो अगर जैसे इस कंडीशन इस तरफ उसको मैं यहां भी अगर एज्यूम कर लूं तो केवल यहां छोटा सा एक सर्कल सा बन गया ना डिस्क बन गई है इस डिस्क के थ्रू केवल लाइट यहां से आएगी इसके पास यहां भी इसके पास ये भी इसके पास वो तो प्रकाश यहां से निकलता है वो भी देखो ऐसे निकलेगा यहां से जा रहा है वो यूं जा रहा है। तो जो प्रकाश लाइट का यहां से अपन मान लो स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रकाश यहां से फैलते हुए चारों तरफ यहां से निकलेगा और जो निकलने का जो उसका ऊपर का टॉप सरफेस है वो एक डिस्क के रूप में ही आपका पॉसिबल है वो हर कहीं से पॉसिबल नहीं है। तो आपको पूछा कि जहां से लाइट बाहर निकलती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो इसको डिस्क ऊपर मान लें। अब क्या जो डाटा दे रखे हैं उनको थोड़ा ले लें कि अपवर्तनांक जो दे रखा है इसका है वो देखो म्यू दे रखा है अपने को 4/3 ओके और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी अपने दे रखी है एच एच इसकी डेप्थ है एच तो रेडियस कितनी होगी वो आपको पूछी जा रही है आर चाहिए आर अपने को चाहिए। तो देखो जैसे ये डिस्क मान लो ये लाइट इस तरह से आपको निकालनी है तो ध्यान दो भाई ये इसका एंगल है कौन सा आपका आईसी और ये इसका हो गया आर 90 डिग्री
और ये इसकी अपन हाइट मान लें h। अब जैसे एक तो ट्रायंगल आपका ये हो गया, दूसरा देखो ये इसकी है रेडियस यहाँ से यहाँ तक इस बॉल आर, और ये हमारे पास है हाइट h। तो इसके आई सी होने पर सर ये भी आई सी हो गया, तो हमारे पास एक तो आपका डायग्राम है, एक हमारे पास है अपवर्तन का सामान्य सा इक्वेशन, दोनों को अपन लेते हैं तो अपना काम है वो बन जाएगा। तो इसमें देखो ये मेरे पास आई सी है, तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलरली आपका हो गया बेस, तो इससे अपन निकाले साइन आई सी। तो साइन आई सी हमारे पास कितना हुआ आर बाई एच, अच्छा टेन, हाँ बिल्कुल सॉरी सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसको हमको लेना पड़ेगा टेन, क्योंकि हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर कौन बेस है, तो हम इसको ले लेते हैं टेन आई सी बराबर आर बाई एच। बिल्कुल ठीक बात, सही टाइम पकड़ी आपने। अब अपन आते हैं इस टी आई आर के लिए, तो टी आई आर में अपन यहां से जा रहे हैं, तो म्यू म्यू आपको दे रखा है क्या 4/3, बिल्कुल, तो अपन लिखें इसको 4/3 इंटू कितना साइन आई सी इज इक्वल टू कितना 1 × 1 बी म्यू भी 1 है और साथ में आपका एंगल भी कितना 90 है, तो साइन 90 कितना 1 ही होता है, तो दोनों 1 ही बनोगे। तो इससे हम इसका आई सी निकाल लेंगे देखो, और उसको यहां पुट कर देंगे तो आर आ जाएगा। तो यहां से देखो मैं लिखता हूं साइन आई सी बराबर कितना 4/3, तो 4/3 होने पर आपका 10 आ जाएगा, ओहो 3/4, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो अब थोड़ी सी गलतियां होनी शुरू हो गई है, 3/4 चाय की डिमांड बढ़ गई, देखो तो साइन आई सी कितना 3/4 आ गया। तो साइन आई सी 3/4 है, इसका मतलब देखो इसको मैं ट्रायंगल के रूप में कर दूं आई सी, तो साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ऐसे कैसे हुआ कोई दिक्कत नहीं होने दो भाई, ये आ गया। अब ये 3/4 है तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा रूट सेवन, ये हो गया 16 या आपका 9, 16 में से 9 अपन ने करें तो कितना 7 का रूट अपने पास ये आ गया। अब देखो इससे हम लोग 10 निकाल सकते हैं, बिल्कुल, और 10 हमारे पास तो कितना आएगा 3/√7, तो इसको यहीं लिख दो अगर 3/√7। अब आपको निकालना है r, तो इसको ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, तो 3/√7h, बिल्कुल। तो इसका आंसर हमारे पास है रेडियस का r √3/√7h, जी इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा 3/√7, बिल्कुल इसका फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो देखें भाई, ए लाइट रे फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट एज शोन इन फिगर एट वन एंड ऑफ ए ग्लास फाइबर जिसका दरेखा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपनी को 1.5, मैकिंग एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 60° ऑन द लेटर सरफेस सो दैट इट अंडरगोस ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू ट्रांसवर्स द स्ट्रेट फाइबर ऑफ लेंथ 1 km। ओके, तो ये ऐसे कह रहा है कि हमारे पास ये देखो ऐसे कोई फाइबर वगैरह है, ये आपका दरेखा एंगल 60 का, और फिर ये लंबाई से कितनी है 1 km, इसको आपको पार करना है, तो कितना आपको समय लगना है वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखो मान लो ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर पर लाइट जो है मान लो मैं ठीक इसकी यहां पर लैंग्वेज के अनुसार यहां इस पॉइंट पे लाइट को गिरता हुआ माना गया है, और किस एंगल पे मैं उसको शो करूं, मान लो ऐसे, तो जैसे लाइट यहां इस तरह से मुड़ी यूं आते हुए देखो ऐसे मान लो इसको, ये एंगल यहाँ पे दे रखा आपने 60 degree। अब ऐसे में 60 और देखो ये दे रखा आपने को म्यू कितना इसका 1.5, इसके म्यू के 1.5 होने पे इसका अपन निकालते हैं तो साइन आई सी इक्वल टू होता है आपका 1/μ, तो ये 1/1.5, और अगर आपने जो इसको ढंग से पढ़ा हो तो शायद कांच के लिए इसका जो क्रांति कोण होता है कितना 42 के आसपास अप्रोक्स, इससे पर निकाल लेते नहीं है, तो इससे जो आई सी आपको मिलता है कांच के लिए 42 या 42 अप्रोक्स में इसको मान लेता हूं, यानी अगर आपतन कोण आपका 42 डिग्री के बराबर है तो इस पे प्रकाश जो गिरेगा वो आपका टी आई आर शो कर देगा। अब क्वेश्चन 60 degree का, इसका मतलब टी आई आर हो चुका है, डन 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 हो गया भाई, डन 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 हो चुका है इसमें। तो अब तो हां यार एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना 60 का है, वैसे कितना 42 है, तो टी आई आर हो चुका है। तो लाइट अब कैसे निकली, लाइट तो यूं निकली है, टी आई आर हो चुका है। अब ध्यान दें इसमें
कि अगर मान लो यहां इसकी स्पीड क्या थी, सी थी, तो इसमें इसकी स्पीड कौन सी, तो वी आई, और वी कितना होता है, सी बाई म्यू। और ये जो अपने पास ऑप्टिकल फाइबर्स की लेंथ दे रखी है अपने को 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, ये रन थोड़ा दिखता कम है तो उस पे हो भाई। अब ध्यान सुने, ये उसका देखो टी आई आर हो चुका है, तो ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया सर 30 डिग्री का आ गया। अगर इस वी के पर कर लें कंपाउंड, तो इस तरफ घटक इसका कितना है वी कॉस 30 आ गया, और वो तो कांस्टेंट है जी, और ये वी कॉस इसको पार करने वाला, ये इसको ट्रांसवर्स करने वाला है। तो अब हमको टाइम जब फाइंड करना है, तो टी हम लोग क्या ले लेते हैं इसकी एल अपॉन वी कॉस थीटा, तो वी कर दो वी कॉस 30 मतलब रूट 3/2। अब देखो ये हमारे पास है एल तो कितना 1010 की पावर 3 जी बिल्कुल, और वी अपने पास है सी अपॉन म्यू जी, C upon mu, तो इसको पहले लिखें C, यानी 3 × 10^2, ये तो V है ना, ये V वाला जो इसका ये V वाला है, C upon mu है, C आप जानते हैं 3 × 10^2 कितना 8, और mu आपको दे रखा है क्या 1.5, यानी 3/2 कर दो, तो देखो ये 3 × 10^8 upon कितना 3/2, तो 2 पर चला गया, into √3/2, तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखो तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया क्या, 3/5 आ गया। अब मैं आपको तो बार बार कई बार बता चुका हूँ, गुणनित्य भी आपको मैं कई बार लिख के बता चुका हूँ, क्लास ऑफलाइन थी ऑनलाइन थी सब में बता चुका हूँ कि 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू आपको 24 आवर याद रहने चाहिए, और 1/√3 होता है 0.577, और इसको याद कैसे करना था ये बता चुका हूं मैं, तो देखो इसको अपन यहां लिखें तो कितना हो गया 0.577 × 10^-5, इसको थोड़ा सा यहां कर दें एस्टैब्लिश, तो 5.77 × 10^-6, तो एक्चुअली बन गया 5.77 माइक्रो सेकंड आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो हो गया आपका थर्ड। ओके तो सर आगे पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो देखिए करें शुरू। बिल्कुल सर। तो ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस ओपन टू एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा व्हिच इज लेस देन The critical angle, then there will be. तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि जल में संचरित किरण वायु में खुलने वाले पृष्ठ पर आपत होती है, आपतन कोण थीटा है, जो क्रांति कोण से कम है तब वहां, तो देखो प्रश्न ऐसे कह रहा है अपने से कि मान लो ये कोई वाटर के सरफेस है, वाटर, और ये सरफेस ओपन टू एयर, यहां है अपने एयर। अब मान लो ये कोई ये पूरा का पूरा वाटर मीडियम है, और इसको अपन मान लेते हैं इस तरह से नॉर्मल, और कोई लाइट यहां से हो रही है इंसिडेंट, और ये जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको दिया जा रहा है थीटा, और साथ में एक कंडीशन अपन को वो दे रखी है थीटा जो है वो क्या है क्रिटिकल एंगल से छोटा है। सर ऐसा कुछ कहोगा, ये कहा था ना आपतन कोण थीटा है जो कि क्रांति कोण से कम है तब वहां क्या होगा, तो देखो एक्चुअली हमेशा क्या होता है जब भी कोई लाइट किसी सरफेस किसी इंटरफेस की होती है इंसिडेंट, तो वहां हमेशा क्या होता है अगर टीआईआर नहीं हो रहा था, टीआईआर की कंडीशन में तो टोटल आपका रिफ्लेक्शन होता है, वहां पे जो इमेज बनती है टीआईआर की वो हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी की बन सकती है, पर यहां तो क्या हमेशा पार्शियल होता है आपका रिफ्लेक्शन, पार्शियल होता है इसमें रिफ्लेक्शन, तो जो रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है यदि इसका एंगल थीटा आईसी से छोटा है, इसका मतलब यहां पर पार्शियल होगा आपका रिफ्लेक्शन और पार्शियल इसका होगा यहां पर रिफ्लेक्शन, तो उस कंडीशन में देखो आप कि ये जो रे यहां आ रही है ये तो है परावर्तित प्रकाश की किरण, जिसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जो कि रिफ्लेक्शन की प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, जिसमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका थीटा है तो ये वाला भी एंगल आपका कितना होगा थीटा होगा, पर अब ये देखो वाटर से एयर इसका मतलब कि डेंसर से जा रही है रेयर में, तो क्या करेगी अपने जो इनिशियल पाथ है जो
इससे क्या करेगी, नॉर्मल से कुछ दूर हटेगी, तो इस केस में इसका जो रियल पाथ होगा वो पाथ होगा ये वाला मान लीजिए आप। पर इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड यानी परावर्तित प्रकाश नहीं है, ये कौन सा आपका अपवर्तित प्रकाश किरण है रिफ्रैक्टेड, इसको अपन रे कह रहे हैं। ओके अब देखें अगर ऐसा है तो जो ये वाला एंगल आपका दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है हमेशा इस थीटा से बड़ा होगा, इसको अपन थीटा डैश मान लेते हैं, पर निश्चित रूप से आपको दिख रहा है ये थीटा डैश कैसा, थीटा से ज्यादा है। अब देखो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, इसको अपन कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, जिसमें अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच का एंगल, अगर हम लोग इनके बीच का एंगल है उसको चेक करें तो इन तीनों का सम कितना 180 है, यानी थीटा डैश प्लस थीटा और ये जो एंगल है उन सब का जो नेट है वो कितना आपका 180 है। तो अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना हो तो ये एंगल वैसे कितना आएगा, इसको अगर मान लो मैं कहता हूं 5 मान लेता हूं, तो ये मेरे पास 5 वैसे कितना आएगा सर, क्योंकि आपका 180 माइनस थीटा प्लस थीटा डैश, थीटा प्लस थीटा डैश, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो जो थीटा हमारे पास ये वैल्यू ये वाली थीटा डैश, ये आपको साफ दिख रहा थीटा जो है वो थीटा से बड़ा है, इसका मतलब अगर मैं लिखूं ऐसे फाई बराबर, मैं ऐसे लिखूं कि 180 माइनस का 2 थीटा, एक मैं लिखूं है मान लो फाई इज इक्वल टू 180 माइनस का 2 थीटा डैश, हम तीन तरह से इसको सोच सकते हैं, ये थीटा प्लस थीटा डैश, यहां 2 थीटा, ये मेरे पास है 2 थीटा डैश, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे देखो तो यहां ये 180 है, यहां आपका 180 है, इसमें से अपन 2 थीटा माइनस कर रहे हैं, यहां थीटा प्लस थीटा डैश जो कि कुछ ज्यादा है, इससे कुछ बड़ा है, तो आप ज्यादा इसमें घटाएंगे तो कुछ कम बचेगा ना, इसका मतलब मैं इसका कर दूं ये 51 है, इसको 52 कर दूं, इसको 53 कर दूं, तो 52 जो है वो 51 से कम होगा, 52 जो है वो 51 से 52 ये ज्यादा होगा, यानी ये 180 माइनस इसमें अपन अधिक घटा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू कम, ये वैल्यू आपकी ज्यादा है। तो अब देखो अपन जो ऑप्शन आपके क्या कह रहे हैं उसमें अपन आते हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि ओनली ए रिफ्लेक्टेड रे एंड नो रिफ्लेक्टेड रे, केवल परावर्तित प्रकाश किरण होता है अपवर्तित नहीं होता है। तो देखो जब भी यहां पर मैंने कहा था आपको जब तक TIR नहीं होता है तब तक वहां पर आंशिक होता है आप, आंशिक इसमें होगा आपका परावर्तन और आंशिक होगा यहां पर अपवर्तन, बिल्कुल पार्शियल इसमें दोनों तरह से हो जाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट तो गलत हो गया सर, सेकंड भी गलत है और थर्ड जो है a reflected ray and a refracted ray and the angle between them would be less than 180 minus 2 theta. Yes. देखो ये जो एंगल दे रखा है इसकी तुलना में ये जो एंगल आपका रियल में जो अपन फाइंड कर रहे हैं वो तो इससे छोटा ही है, तो बिल्कुल ये आपका स्टेटमेंट है वो सही है। ओके ये कलर अगर आपको दिखता नहीं है थोड़ा सा इसको सही कर सकता हूं मैं, ये आपका फाई था और इसमें ये भी आपका 51 मैंने माना है, ये है 180 माइनस का थीटा प्लस थीटा डैश और ये हमने लिखा है 52 जिसको कि हम लिख रहे हैं 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है जी, ये वाला कोण यहां से यहां तक यस ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, तो फिगर से दिख रहा भी यहां देख सके बिल्कुल बीच में ये बहुत बहुत सही टाइम पे अपने सही बात पकड़े, देखो दिख रहा है साफ साफ कि एक तो अपने पास ये रिफ्लेक्टेड थी या आपकी रिफ्लेक्टेड थी और ये एंगल देखो ये आपका थीटा है, ये भी कितना है थीटा है, इसलिए ये जो आपका जैसे अपन शो करा यहाँ पर ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो इसमें देखो ये वाला एंगल जो अपन ये बनाया फाई यानी इसको अपन करते हैं फाई, ये 51 और ये जो आपने लिखा है सर ये हो गया आपका 52, तो 52 की तुलना 51 कैसा है कम है। ओके तो बिल्कुल आप अच्छे से इसको समझ गए। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इफ द फिगर शोज फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एट द टॉप सरफेस व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीडेड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वर्टिकल फेस, यानी ये जो वर्टिकल फेस आपको दिया जा रहा है ये वाला वर्टिकल फेस, इस वर्टिकल फेस पे क्या हो जाना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिखाए गए चित्र में ऊपरी सतह पर 45 डिग्री के आपतन कोण के लिए पार्श्व दीवार पर, जो पार्श्व दीवार है ध्यान देखें इसको, इसमें लिखा हुआ नहीं है,
पार्श्व दीवार पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए न्यूनतम अपवर्तनांक म्यू क्या होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब जस्ट टी आई आर की क्रांति की स्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो अब देखो इसमें एक्चुअली है क्या, ये टॉप सरफेस है, ये इसकी वर्टिकल वॉल है, तो अपने को वर्टिकल वॉल पे करना है डीआईआर। यहां डीआईआर पॉसिबल है नहीं, यहां तो एयर से अपन जा रहे हैं मीडियम के अंदर, तो जब रेयर से अपन डेंसर में लाइट को करते हैं ट्रांसमिट, तो वहां तो डीआईआर पॉसिबल है ही नहीं। तो अब उसमें होगा क्या कि जैसे आपको जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें, तो मान लो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी और यहां इसको देखें आप, ये एक आपकी इंसिडेंट लाइट है जिसको अपन 45 डिग्री के एंगल पे कर रहे हैं इंसिडेंट, तो और ये इसका है म्यू, और म्यू आपने को कम से कम मिनिमम आपसे पूछा गया, ये मिनिमम कितना हो जिससे कि जो यहां पे वर्टिकल वाल जो आपको दे रखी है, इस वर्टिकल वाल पे क्या हो जाए इसका टीआईआर हो जाए। तो देखो अब ये 45 डिग्री पे है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका नॉर्मल है, ये इसका था इनिशियल पाथ, पर ये डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या करेगी, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और फिर यहां इसका होगा इंसिडेंस। अब देखो यहां पे जो इंसिडेंस हो रहा है उसको अगर अपन देखें, तो ये इसका इस सेकंड सरफेस का नॉर्मल हो गया। अब उस केस में देखो यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जस्ट टीआईआर हो, तो उस केस में ये जो लाइट यहां पे इंसिडेंट हो रही है इसका पाथ क्या होना चाहिए, जस्ट इसका ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाए, क्या बोलेंगे उसको, पृष्ठस्पर्शीय निर्गमन इसका हो जाए। तो उस कंडीशन में ये आपका जो यहां एंगल बन रहा है वो तो आर हो चुका है कितना 90 डिग्री, और यहां अपन कहेंगे ये जस्ट आपका क्या है टीआईआर हो गया, जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ऐसी कंडीशन में ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इसको अपन कह सकते हैं आईसी यानी क्रिटिकल एंगल, और इसके आईसी होने पर इसको अपन बनाए ट्राइंगल, तो सर ये क्या हो जाएगा अपना एंगल 90 माइनस आईसी, ये आपका एंगल हो जाएगा 90 माइनस आईसी। ओके अब केवल हमारे पास दो सरफेस है, यहां तो आपका नॉर्मल आपका ट्रांस रिफ्लेक्शन है, ये आपका टीआईआर, यहां पर इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, यहां पे अपन इक्वेशन अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करके अपन म्यू का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सर इसके बाद की प्रोसेस आप समझा दीजिए। देखो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले तो यहां पर हम लोग अगर स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करें तो साइन आईसी को क्या लिख सकते हैं, एक बटा म्यू लिख सकते हैं, पेन को सर आप ऐसे पकड़ लीजिए, क्यों बदगित तल तो गाड़ी वहां ठीक, तो ये समझ में आया बच्चों। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, इसको तो समीकरण एक मान लें, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन और साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू इनटू साइन 90 डिग्री माइनस आईसी। अब इसको हम लोग कॉस 90, ये साइन 90 माइनस थीटा है या 90 माइनस आईसी है, इसको कॉस लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां तो 1/√2 म्यू है और ये कॉस आईसी, हमने क्या किया इस म्यू को इस तरफ लिख दिया, तो एक तो कॉस आईसी दूसरा साइन आईसी, दोनों इक्वेशन को अगर स्क्वायर करके प्लस कर दें, यानी एक तरफ से हम लोग ऐसे लिख दें इक्वेशन वन से साइन स्क्वायर आईसी और इक्वेशन टू से कॉस स्क्वायर आईसी, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा 1/μ² और दूसरा 1/2μ² अब ये रिजल्ट तो 1 है, तो हम लोग लिख देंगे 1 = 3/2 और नीचे में ही म्यू स्क्वायर आएगा, उस म्यू स्क्वायर को इस तरफ लिख दो, ठीक है, तो म्यू हो गया इससे हमारे पास √3/2, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो केवल अब हमारी जो बेसिक मैथमेटिक्स को अपने काम में लिया है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखें इसमें कि जैसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आ गई साइन आईसी = 1/μ और इससे अपन देखा तो कोस आईसी हमारे पास कितना ही आ गया, इन दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके सम किया, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाती है μ = √3/2। ये वो म्यू कम से कम है जिस पर यहाँ इस सरफेस पे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये TIR होने के बाद यहाँ रहे वापस
आपकी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके हाँ, तो सर देखिए अगला क्वेश्चन आपका 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर शोज ए मिक्सचर ऑफ ब्लू ग्रीन एंड रेड ग्लास रेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए राइट एंगल प्रिज्म। ये हमारे पास एक राइट एंगल प्रिज्म है जिसका एंगल दे रखा है आपने को 90 डिग्री, और इसकी जो ये सरफेस है यहाँ पे नॉर्मल लाइट है वो और इंसिडेंस ब्लू ग्रीन और रेड। अच्छा, इनके आपको दे रखे हैं द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू आर 46 44 एंड 43 रेस्पेक्टिवली, द अरेंजमेंट विल सेपरेट। तो ये जो अरेंजमेंट दे रखा है आपने को रंग का और प्रिज्म का, वो कौन से रंग को किस प्रकार से सेपरेट करेगा वो अपन से पूछ रहा है। तो ध्यान देने की बात ये है इसमें देखो कि यहाँ जैसे यदि इस डायग्राम को अपन यहां समझें, ये एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, मान लीजिए ये कोई रे आ रही है और ये इसका है नॉर्मल इंसिडेंस यानी अभिलंब इसका अपन कहते हैं, और अभिलंब आपतन में आपको मालूम है रे बिना किसी डेविएशन के बिना किसी मुड़े हुए सीधे अपने उसी पाथ को फॉलो करती है। अब यहां देखो अगर ये आपको एंगल दिख रहा है 45 डिग्री और ये आपका 90, ये कितना है 45, ये भी आपका 45, ये भी कौन सा 45 डिग्री है। तो आपको यहां जो एंगल मिल रहा है ये वाला, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को आप देखें, ये वाला एंगल, ये एंगल आपको दिख रहा है 45 डिग्री। यानी इस प्रकार की व्यवस्था है कि तीनों रंगों के लिए आपतन यानी इंसिडेंस एंगल आप कितना ले लेंगे वो आपका नेचुरली इसको इस तरह से अरेंज कर रखा है कि 45 मिलने वाला सारे प्रकाशों को। अब देखो यदि इसका आपतन कोण यहां पे कितना है 45 डिग्री है, जिसमें से अब तीनों रंग हमारे पास फर्स्ट रंग है सेकंड है थर्ड है, जो भी अपने पास है ब्लू है चाहे हमारे पास आपका ग्रीन है चाहे कौन सा रेड, ये तीनों कलर इसी तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं, तो तीनों के लिए नेचुरली आपका 45 डिग्री का आपतन कोण है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू का तो क्रांति कोण कितना है 43, ग्रीन कितना है 44, इसका मतलब ये तो 43 डिग्री के आपतन कोण पर ही TIR शो कर चुका होता है, और ये वाला कितने में करता है 44 पे, ये करता है 46 पे, जबकि आपतन कोण तो कितना दे रहे हो अपन ओनली 45 डिग्री। तो अब तो क्या होगा कि इसका जो ये लाइट ऐसे इस पे गिरने वाली है ये इसका नॉर्मल है, तो यहां तो जो इसको जो थीटा हमने प्रोवाइड किया है वो तो इसके IC से बड़ा हुआ ना, और इसके लिए भी आप सोचेंगे तो यहां पर इसका भी जो एंगल आपको मिल रहा है वो थीटा भी कैसा IC से बड़ा है, पर इस वाले में आप चेक करोगे तो यहां जो इसका थीटा मिला है वो थीटा कैसा लेस देन IC है। इसका मतलब अब यहां ब्लू ग्रीन और जो आपका रेड है उसमें से कौन से कलर तो TIR शो कर चुके हैं, वो है सर कौन सा आपका ब्लू और ग्रीन, जबकि रेड का यहाँ पे TIR नहीं होगा। जब TIR नहीं होगा तो आप देखें इसमें कि ये जो ब्लू वाला कलर तो यहां से वापस इस तरफ आ जाएगा, ग्रीन वाला लाइट भी यहां से वापस नीचे आ जाएगा, और ये लाइट तो यहां से दूसरे मीडियम में आपका रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। तो देखो ये तीन कलर हमारे पास थे, उसमें से बाहर कौन सा कलर निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेड। क्या करेगा कि इन सारे कलर से रेड को आपका सेपरेट कर देगा, बाहर हटा देगा। तो अब इसका आंसर सर कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है रेड कलर फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन, यानी ग्रीन कलर फ्रॉम रेड एंड ब्लू। फर्स्ट तो गलत है, गलत है। सेकंड में लिखा है तीनों कलर्स, ये भी गलत है। थर्ड में है कि रेड कलर ब्लू और ग्रीन से, ये सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। तो यहां हम थर्ड को सही कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें सर, क्वेश्चन अभी जो अपन कर रहे थे उसी का ही दूसरा पार्ट है। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन ए राइट एंगल प्रिज्म। तो ये कह रहा है कि हमारे पास ये कोई एक राइट एंगल प्रिज्म है जिस पर नीला हरा और लाल प्रकाश है, उसकी बीम है वो इस पे गिर रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द अबव रेड ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ आर 1.39, 1.44 एंड 1.47। तो आपको बोला है पीछे वाले क्वेश्चंस में इन तीनों के दे रखे थे हम लोगों को क्रिटिकल एंगल, इस बार दे दिया हम लोगों को कि इन तीनों के आपको दे रखे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कि कितना ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिलेगा तो इनका TIR हो जाएगा। अच्छा फिर क्या कह रहा है, द प्रिज्म विल, तो प्रिज्म क्या करेगा, वही ऑप्शन है जस्ट, बस थोड़ा सा चेक करना है उसको अलग व्यू से। तो देखो जैसे ये हमारे पास
प्रिज्म है जिसका एंगल दे रखा है अपने को ये 45 डिग्री। इस पे रे हो रही है इंसिडेंट नॉर्मली, तो नो डेविएशन, और यहां इसका होगा इंसिडेंस। अब देखो ये एंगल तो पहले भी अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आपका कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री है। तो अगर ये 45 डिग्री है इसको अपन यहां कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो टी आई आर होने के लिए, और टी आई आर अगर मैं यहां आपको बताता हूं, तो ये जो आई है शुड बी मोर देन आई सी, जो मेन जो कंडीशन अपन पढ़ते हैं फॉर टी आई आर, वो क्या होना चाहिए, आपतन कोण का वैल्यू जो आपका क्रिटिकल है उससे बड़ा होना चाहिए। तो दोनों को जो साइन में कन्वर्ट कर दूं तो आप इसको ऐसे कहेंगे साइन आई जस्ट मोर देन साइन आई सी। अब आप जो टी आई आर पढ़ते हो तो उसके इसमें अपन पढ़ते हैं कि जो साइन आई सी जस्ट इक्वल टू होता है 1/μ, होता ना। तो अपन इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, माना अपॉन म्यू से। तो देखो इसमें ये जो साइन आई सी हमारे पास है वो हो गया मोर देन साइन आई, सॉरी ये है हमारे पास साइन आई, ये बड़ा है साइन आई सी से, इसको अपन रिप्लेस कर दे 1/μ से। तो जस्ट देखो ये आपका हो गया 1/μ, और ये हमारे पास है साइन आई। यदि इस म्यू को अपन यहां लिख दें, साइन आई सी साइन आई को अपन यहां ले लेते हैं, तो देखो म्यू जो है वो क्या हो जाएगा 1/sin i, और साइन आई में आई है कितना 45 डिग्री, ये आपको दे रखा है, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये आपका चला गया ऊपर। इसका मतलब आपको यहां मिला कि म्यू होना चाहिए कितना √2 से बड़ा, और √2 अपन जानते हैं 1.4। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर ये मीडियम, ये मीडियम इस रे को 1.414 से ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा तो उस स्थिति में टी आई आर हो जाएगा, और जस्ट टी आई आर के लिए, यानी इसका ग्रेजिंग अगर आपका यहां इमरजेंस हो रहा हो तो उसके लिए जस्ट कितना होना चाहिए आपका 1.414। तो टी आई आर होना है तो लाइट को सेपरेट करना कलर्स को, तो उस केस में देखो आप अपने को ये चेक करना है कि जो भी कलर, जिस कलर के लिए ये 1.414 से ज्यादा है वो तो क्या करेगा उसी मीडियम वापस लौट आएगा, और जिसका इससे कम है वो क्या करेगा इससे बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान दो अब अपने पास जो कलर्स हैं वो कितने, देखो एक तो है 1.39, एक हमारे पास है 1.44, एक है 1.47। ये दो जो कलर आपको दिख रहे हैं, और ये कौन कौन से, ग्रीन और रेड, ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और अच्छा इसमें कलर्स का ऑर्डर आपको दे रखा अलग अलग। तो जैसे अपने पास पहले कौन सा है, रेड, ये रेड इसका दे रखा है अपने को 1.39, ग्रीन का दे रखा है 1.44, और ब्लू जो है उसका दे रखा है हम लोगों को 1.47। तो इस तरह से रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भी जाना है कि जिसका म्यू इनसे बड़ा है वो टी आई आर शो करेगा, जिसका नहीं वो टी आई आर शो नहीं करेगा। तो देखो ये तो कम हो गया ना, इसका टी आई आर नहीं होगा, तो रेड कलर क्या करेगी वो प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी। तो निश्चित रूप से आप देखो वही कैसा आ गया सर कि ब्लू तो वापिस उसी मीडियम में आ रही है, ग्रीन भी वापिस उसी मीडियम में आ रही है, और रे यहां से रेड आपका यहां से बाहर निकल जाएगा, तो क्या करेगा इस बीम में से रेड कलर को सेपरेट कर देगा, बाकी उसी मीडियम में लोड करके आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, वही थर्ड रेड कलर सेपरेट है, बिल्कुल थर्ड इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़े आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर क्या कह रहा है कि ये तो हो गया ना, ये हो गया क्या, अच्छा बिल्कुल ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन सर देखें क्या कह रहा है, तो बताओ देखें आप, इफ द रिफ्रैक्टिव एंगल्स ऑफ टू प्रिज्म्स मेड ऑफ क्राउन ग्लास आर 10 डिग्री एंड 20 डिग्री रेस्पेक्टिवली then the ratio of their color deviation powers will be, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्राउन ग्लास के ही दो प्रिज्म बने हुए हैं, उनका कोण दिया हुआ है प्रिज्म एंगल, एक तो 10 डिग्री दूसरा 20 डिग्री, हमें क्या बताना है इनके डेविएशन जो विचलन क्षमता है उनका अनुपात बताना है। हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, अगर बहुत कम एंगल है तो डेल्टा को हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, म्यू माइनस वन
इनटू इट। अब इसमें क्योंकि एक ही प्रिज्म है, एक ही ग्लास का बना हुआ, क्राउन ग्लास का, तो म्यू तो सेम हो जाएगा, म्यू दोनों के लिए सेम है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा ए के प्रोपोर्शनल हो गया। अब डेल्टा का रेशियो चाहिए हमें, एक तो डेल्टा वन मान लें, दूसरा डेल्टा टू, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ए वन बाई ए टू। ए वन दिया है 10 और ए टू दिया है 20, तो इनका रेशियो क्या लिख देंगे, 10/20 यानी कि 1/2। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन रिफ्रेक्टिंग सरफेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म, यानी आपको दे रखा है समबाहु प्रिज्म जिसका जो तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.5 डिग्री। तो ये सामान्य से बना हुआ किससे, कांच से बना हुआ है, और कांच के लिए जो थीटा अपन निकालते हैं, थीटा या जो आईसी पर लेते हैं, वो आईसी अप्रोक्स होता है 42 या थोड़ा सा उसके आसपास। तो इसका अपने को क्रिटिकल एंगल मालूम है, वो है कितना, 42 डिग्री है। अब देखो आपसे क्वेश्चन करा कि इसको हिंदी में और पढ़ ले हम लोग, कि जब प्रकाश किरण एक समबाहु त्रिभुज की एक अपवर्तक फलक जो है उस पर अभिलंबवत आपतित होती है तो क्या होगा। तो देखो नीट के हिसाब से एक क्वेश्चन ये और एक ऐसा क्वेश्चन आगे हो रहा है, ये दो प्रश्न दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको ढंग से आप समझ लो। तो जैसे मान लो अपने पास से ये एक इक्विलेटरल यानी समबाहु प्रिज्म है, और इस संभव प्रिज्म के अंदर इसका ए एंगल ऑफ प्रिज्म वो आपका है कितना, 60 डिग्री का है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने कोई लाइट दे रखी है, वो क्या करती है, इसकी एक सरफेस पे नॉर्मली इसके ठीक 90 पे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। अगर नॉर्मली इंसिडेंस होगी तो यहां तो सिंपल अपने उसी पाथ पे रे चलेगी ना। अब यहां इसका होगा इंसिडेंस, अब ये प्रिज्म और ये आपका एयर, डेंसर टू रेरर, तो यहां इस सरफेस पे जो नॉर्मल है इस पॉइंट पे इसके टी आई आर होने की कंडीशन बनेगी। अब देखो अगर ये एंगल आप चेक करें तो आपका 90 डिग्री का है, ये भी आपका 90 डिग्री का है, इस केस में यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना जीरो हो गया, यहां आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना जीरो हो गया। अब ये आपका 60 डिग्री का है, ये 90 है, तो ये कितना एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, और इसके 30 होने पर नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बन रहा है वो आपका है 60 डिग्री, जो कि अभी अपने इस सरफेस के लिए एक तरह से आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। अब जैसे इसका जो सरफेस है, आपको अभी कहा था कि इसका म्यू हमको दिया जा रहा है 1.5, तो म्यू के 1.5 होने पर आपको मालूम है कि इसका जो आईसी होता है वो आईसी होता है अप्रोक्सीमेट कितना, 42 डिग्री के आसपास होता है। अब यदि याद है तो बहुत अच्छा है इसमें, तो ऐसे केस में अगर इसका आपतन कोण 40 डिग्री होता तो रे क्या करती, जस्ट टी आई आर से बढ़ती, तो आपका उससे बड़ा है ना। तो इस केस में आपको दिख रहा है कि आई जो है वो 42 से बड़ा है, इसका मतलब आईसी से बड़ा है, इसका मतलब यहां जो लाइट है वो टी आई आर शो कर चुकी है। तो अब इसका पाथ क्या होगा, ये इस तरह से आएगी। अब देखो इसका टी आई आर हो चुका है, ये एंगल 60 हो गया। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा अपन आते हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि निर्गत किरण 30 डिग्री से विचलित होती है, इमर्जिंग रे इज डेविएटेड बाय 30 डिग्री। तो देखो इसका जो इनिशियल पाथ है उसको अपन आगे बढ़ाएं, और ये इसका है एक तरह से विचलन कोण, आप इसको देखें तो ये कह रहा है इमर्जिंग रे इज डेविएटेड बाय 42 डिग्री, निर्गत किरण है 45 डिग्री से विचलित होती है। फिर कह रहा है कि इमर्जिंग रे जस्ट ग्रेजेस द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये कह रहा है कि जस्ट ग्रेजिंग कर रही है, नहीं साहब। फिर कहता है रे अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बिल्कुल जिस फर्स्ट सरफेस पे इसका हुआ था पहले इंसिडेंस, उसके बाद यहां इसका हो रहा है टी आई आर, तो दूसरे सरफेस पर ये बाहर नहीं जा रही है, इसका टी आई आर हो चुका है। इसका मतलब आप इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जो इनिशियल डायरेक्शन है उसके साथ ही रे अंदर उसी मिडी में जा रही है, तो इसका आपका आंसर कौन सा, 4th सही हो जाएगा, क्यों सर? तो इसमें अपन टिक कर देंगे 4th, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आगे और भी था,
जैसे अपन देखें उसमें उस क्वेश्चन में अगर आते हैं तो तो दस अपन बात कर रहे थे दस, उसकी जो पहले अपन ने क्वेश्चन किया था उसके ठीक थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट पे आते हुए क्वेश्चन देखो आप पढ़ें इसको। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री यानी प्रिज्म कोण 30 डिग्री का है एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रूट टू, तो उसका अपवर्तनांक दे रखा है अपने को रूट दो एंड वन ऑफ द सर्फेस इज सिल्वर्ड, एक सर्फेस को पॉलिश कर रखी है, क्ले कर रखी है, रिफ्रैक्टिंग कर रखी है। एट वाट एंगल ऑफ इंसिडेंस ए रे शुड बी इंसिडेंट ऑन वन सर्फेस सो दैट After reflection from the silver surface, it retraces its path. यानी सिंपल सा काम देखो कि एक कोई प्रिज्म आपके पास है, उसका प्रिज्म कोण 30 डिग्री का है, उसका अपवर्तनांक रूट दो है, इसके एक प्रस्प चांदी की कले कर रखी है और बिना कले किए गए प्रस्प प्रकाश को अपन डाल रहे हैं जिससे कि अपवर्तन के बाद चमकीले तल से प्रकाश है वो परावर्तित होकर के अपने ही मार्ग को फॉलो कर जाए। तो देखो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो क्या रहेगा, पहले उसको समझे, पहले कि प्रकाश अपने पथ को वापस रिट्रेस करे, फॉलो करे। तो उसकी कंडीशन क्या है कि जब भी आपने कहीं पढ़ा है, मान लो ये हमारे पास एक सैंपल दर्पण है और इस पे जब प्रकाश को ओपन करते हैं इंसिडेंस, मान लो ये को लाइट इस पे गिर रही है, तो लाइट जो गिर रही है इसका अविलंबित आपतन होने पर ही वापस अपने पथ को फॉलो करेगी। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन जो किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि पाथ रिट्रेस कब होगा, जब समतल दर्पण पर या जिस सरफेस को अपन ने कले कर रखी है उस सरफेस पर क्या हो जाए, अभिलंबवत यानी नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए। ये आपको इस तरह से कंडीशन बना करके पैदा करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब देखो कि हमारे पास ये था एक ये देखो प्रिज्म था और इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल दे रखा है हम लोगों को 30 डिग्री, ये दे रखा है हम लोगों को 30 डिग्री, ओके। और जो इसकी एक सरफेस अपन ने कर रखी है वो पॉलिश की, ये पॉलिश कर दी। अब अपनी इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, देखो रिक्वायरमेंट ये है कि लाइट जिस वो इस सरफेस को अपन का रिफ्रेक्टिंग, ये होगी आपकी रिफ्लेक्टिंग पॉलिश करने के बाद, और पाथ है वो रिट्रेस होना चाहिए। तो लाइट इस पे जब गिरेगी ना तो ये तो पहले से पता है कि साहब ये लाइट जो है ना वो इस पे क्या हो, नॉर्मली इंसिडेंस हो, ये अब इसका 90 पीस का आपतन होगा तो वापस उसी पथ को फॉलो करेगा। तो यहां अब देखो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, पैदा करने के लिए निश्चित रूप से देखो अब ये इसका नॉर्मल है तो लाइट को आपको किसी इस एंगल पे इसको डालना ही पड़ेगा और ये इसका आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, या इसको मान लो जो भी, ये इस तरह से कंडीशन आपको बनानी है। ये दिमाग में अगर है तो क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं होना। तो जो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट वो पहले आप इसमें सोचें, आप इसमें कुछ नहीं देखो। एंगल 30 डिग्री का होगा सर, ये कितना हो गया 60, ये 90 ना, ये 30, ये 60, ये आपका 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये आपको एंगल मिल चुका है, ये आपके पास आई है और इसका म्यू हमको मालूम है वो है रूट दो। अब यहां तो ओनली रिफ्लेक्शन था ना, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पे अपन लगा दें स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ होता है क्या, ये फर्स्ट मीडियम है सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम कौन सा, एयर है, तो इसका तो म्यू है कितना 1 और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आपका आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन कोण कितना 30 डिग्री। तो लिखो म्यू 1 sin i = म्यू 2 sin r, बस। तो देखो क्वेश्चन आपका हो गया, तो क्या लिखें, म्यू 1 तो कितना है 1 into sin i sin i is equal to mu 2, ये mu 2 sin, तो mu 2 कितना है root 2 into sin 30, यानी कर दें इसको अपन 1/2। तो ऐसे में ये हमारे पास सोल्व करने पे कितना आ गया, देखो 1/√2। तो हमें इसमें मिल रहा है कि sin i is equal to 1/√2, तो ऐसे में i कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के कोण से अगर अपन इसका आपतन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, पार्टिकल सॉरी जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो दूसरी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंस करके वापस अपने पाथ को फॉलो कर लेगी। तो देखें आंसर कौन सा इसका हो गया, थर्ड होगा, देखो थर्ड वाला होगा 45 डिग्री। तो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को समझे अपन तो आंसर भी बिल्कुल इजीली आपका आ जाएगा। तो वापस अपन चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे और पुराना क्वेश्चन था आपका ये, या इससे पहले भी थे क्या, ये हो चुका। तो देखो अगला क्वेश्चन,
सर देखिए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये इसमें लिखा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल फॉर मिनिमम डेविएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये एक प्रिज्म है और ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे रखा हुआ है। इक्विलेटरल कहने का मतलब हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ऐसा है बिल्कुल। अब इसमें लिखा है मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए जो यहाँ पर एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और यहाँ जो एंगल है एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर होने चाहिए, यानी यहाँ पर एक कोण अगर आर मान लें इसको आर डैश मान लें तो आर और आर डैश भी बराबर होने चाहिए। ऐसा तभी होगा जब ये वाला किरण ये बेस के समानांतर हो जाए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये क्यू आर ये वाला रे ऐसा होना चाहिए बेस के पैरेलल। यानी अपन इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित प्रकाश किरण है रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, तो इस रे के बेस बेस की समांतर होने की जो स्थिति है वही क्या होती है एक तरह से न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। इसका मतलब जो अंदर कौन सी क्यू आर रे होगी क्या QR. तो क्यू आर वो क्या होनी चाहिए बेस के समांतर होनी चाहिए, तो पी क्यू आर, क्यू आर इज हॉरिजॉन्टल, क्यू आर क्षैतिज होनी चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखें इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो इसमें देखो बेबी सिंपल सा देखो इसमें प्रिज्म में क्या होता है कि जैसे अपन एक गाना था ना बेबी को बेस पसंद है तो इसको भी क्या पसंद है बेस पसंद है। इसका मतलब क्या जैसे मान लो इससे मान लो हमारे पास कोई भी सरफेस यू सरफेस आ गई कोई कोई कैसी भी सरफेस हो गई, प्रिज्म का मतलब कोई ऐसा नहीं कि उसमें तीन इस प्रकार की जो तीन एंगल होने चाहिए, कोई भी हो सकता है। अगर रे जैसे मान लो ये आपका नॉर्मल है यहाँ रे आपने डाल दी रे मान लो यहाँ से इस तरफ निकल गई यहाँ से फिर ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है तो देखो जहां से इसका आपतन हो रहा है जहां ये निर्गत हो रही है वो जो आपकी दो रिफ्रेक्टिव सरफेस है अगर उनको अपन आगे पीछे बढ़ाएंगे तो अगर वो किसी एंगल पे काट रही है ना तो निश्चित रूप से वो प्रिज्म का रूप ले लेंगे। अगर गलती से मान लो आपने रे यहां डाली रे यहां से निकल गई मान लो इस तरह से यहां निकल गई इस पे मान लो यूं करके यहां गई और इससे निकल गई रे आप ऐसे मान लो रे डालते कोई यहां निकल जाए ऐसे उस केस में देखो ये सरफेस और ये सरफेस है ये आपस में कैसी है पैरेलल है तो इससे प्रिज्म नहीं बनेगा। तो वे ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस है वही किसी भी आपकी ट्रांसपेरेंट मीडियम को प्रिज्म बना देती है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ये जो अभी देखो ये रे जा रही है इस तरफ से यहां हो रही है तो उस केस में ये इसका बेस है और यहां जो आप देखो जहां से प्रकाश का आपतन हो रहा है जहां से प्रकाश निकल रहा है उन सरफेसेस को पीछे बढ़ाने पर जो इनके बीच कोण बनता उसी को अपन कहते हैं प्रिज्म कोण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, तो सी वैसे इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है सर तो अगला क्वेश्चन देखें, देखें सर क्या कह रहा है बताओ। देखें इसमें लिखा है डेविएशन ऑफ 5 डिग्री इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ प्रिज्म हुज एंगल इज स्मॉल एंड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक ऐसे प्रिज्म में जिसका कोण छोटा है और अपवर्तनांक 1.5 है 5 डिग्री का विचलन देखा जाता है प्रिज्म का कोण क्या होगा, हमें प्रिज्म का कोण ज्ञात करना है। तो अगर ये बहुत स्मॉल एंगल है ना एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत कम है तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 into a। अब यहां पर हमें फाइंड करना है a, जबकि डेल्टा यहां गिवन है देखो डेविएशन 5 डिग्री का दिया हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है और a अननोन है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये तो 0.5 आएगा यानी 1/2 इस तरफ आ जाएगा 10 डिग्री, यानी a का मान क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 यहां करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ए इज प्लेस्ड इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए देन द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ म्यू इज, तो हमको वैल्यू ऑफ ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ म्यू, म्यू के पदों में अपने को ए का वैल्यू फाइंड करना है।
ठीक है, और साथ में कंडीशन दे रखी है ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन की कंडीशन है। तो म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले प्रिज्म को न्यूनतम विचलन का मतलब हो गया कि डेविएशन जो आपका होता है मिनिमम वो कैसा प्रिज्म कोण के बराबर है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ख्याल रखते हुए अपने को इसमें आंसर देना है। तो करें शुरू। देखो तो देखें सर आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, पर क्या कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दिया, कैंसिल कर देते हैं तो वापस आ जाते हैं। अब देखिए अपने जो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है प्रिज्म सूत्र उसको अपन कहते हैं, शायद आपको मालूम है। तो उसमें अपन निकालते हैं म्यू निकालते हैं सर, तो म्यू आपका होता है वैसे साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपन निकालते हैं उसमें तो ये आता है आपका कितना साइन ए प्लस डेल्टा एम, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। ये तो आपके सामान्य जो सामान्य क्या ये आपके न्यूनतम विचलन के केस का ही होता है, पर इस केस में आपको बोला जा रहा है कि अगर डेल्टा एम का वैल्यू कितना ए के बराबर है तो इसके बराबर होने पे आप इसमें अगर डेल्टा एम को ए मान लें तो ए प्लस ए अपॉन टू, तो टू ए बाई टू तो साइन ए आ गया। तो यहां से इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो आया साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू। अब जो साइन ए है थोड़ा सा इसको अपन साइन ए बाई टू, तो देखो इसको अपन यही कर लें सॉल्व। आपको मालूम है साइन थीटा जिसे फॉर्मूला आपने पढ़ा एक साइन टू थीटा वो क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा होता है ना। तो हम अगर यहां साइन थीटा लिखेंगे तो कितना साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू अपन लिख देंगे। तो यहीं से देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं, तो टू ये हो गया आपका साइन थीटा बाय टू और कोस थीटा बाय टू अपॉन ये है देखो साइन थीटा बाय टू। अब इसमें से अगर आप देखो तो ये साइन थीटा बाय टू से साइन थीटा बाय टू कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास कितना टू कोस थीटा बाय टू। तो म्यू का वैल्यू हमारे पास आया देखो म्यू हमारे पास आ गया टू कोस थीटा बाय टू। तो इससे यदि हमको जो पूछा था वो पूछा क्या था भाई थीटा थीटा पूछा है। तो इससे अगर देखें तो हमारे पास ये जो कोस थीटा बाय टू है इसकी वैल्यू आपको मिल रही है म्यू बाय टू। तो थीटा बाय टू हो जाएगा कोस इनवर्स म्यू बाय टू और थीटा निकालना हो तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस इनवर्स हो गया आपका म्यू बाय टू। तो आंसर हमारे पास कितना टू कोस इनवर्स म्यू बाय टू, थर्ड इसका आंसर आपका हो जाएगा। नीट के लिए एक अच्छी प्रॉब्लम है, वर्क करें अच्छे से, टाइम पे उसको सीखें। तो अगला क्वेश्चन आपका 33 देखें सर क्या कर रहा है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू द लिक्विड मीडियम इज। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके सापेक्ष में लिक्विड के सापेक्ष में लिक्विड के रेस्पेक्ट में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मूला होता है हम लोग ऐसा लिखते हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू ऐसा लिखते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान देना क्योंकि ये इक्विलेटरल यहां पर ए गिवन है 60 डिग्री रिफ्रेक्टिंग एंगल मिनिमम डेविएशन डेल्टा भी गिवन है 30 डिग्री पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 प्लस 30 बाई टू यानी साइन 90 बाई टू साइन 45 डिग्री। नीचे क्या है साइन 60 बाई टू यानी कि साइन 30 डिग्री। अब अगर आप वैल्यू को पुट कर दो साइन 45 है 1 बाई रूट 2 साइन 30 है 1 बाई 2 टू पर चला जाएगा ना तो ये रूट टू के बराबर आ जाएगा यानी म्यू रिलेटिव हमें क्या मिल गया रूट टू। अब हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, हम लोग मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल सी है
तो साइन सी को 1 बाय म्यू लिखते हैं, ये 1 बाय रूट 2 हो जाएगा और 1 बाय रूट 2 साइन 45 डिग्री होता है। इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल होगा जो हमें फाइंड करना था वो क्या आंसर आएगा, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। ठीक है सर, हाँ तो इसका सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। अब हम आगे हैं 34। तो ये क्या कर रहा है, देखो देखिए, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन आइसोस्केल्स राइट एंगल प्रिज्म ट्रेवल्स एज शोन इन फिगर, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मस्ट बी। तो सर थोड़ा सा इधर आ जाए। तो देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक समद्विभाव प्रिज्म है, इसकी ये दोनों भुजाएं आपकी किस प्रकार की हैं, एक समान है, ठीक है, पर एक समान है तो अब जैसे जो आपके रिमेनिंग एंगल ये वाले हैं ये आपस में बराबर हैं, कितने 90 का आधा करेंगे तो 45 डिग्री है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वहां पे आपको ये कोण दिए गए थे 45 दिया गया था, यहां आपको केवल इसकी लैंग्वेज के अनुसार ये समकोणीय और समद्विभाव है, दो भुजाएं बराबर है इसलिए कोण आपके 45-45 हो जाएंगे, ये आपको मालूम हो गया। अब देखो यहां ये प्रकाश गिर रहा है ठीक 90 पे, तो पहले इसका यहां बिना किसी डेविएशन के हो गया रिफ्रेक्शन और देखो यहां से लाइट यहां पे गिर रही है। अब देखो यहां टीआईआर हो रखा है, टीआईआर हो चुका है, तो सिंपल सी कहानी है, ये मान लो इसका मैं नॉर्मल और ये इसका आपतन कोण है आई, और आई यहां पे क्या है, देखो आई सी से बड़ा तभी तो टीआईआर हो चुका है ना, टीआईआर टेकन डन हो चुका, डन हो गया, तो दंडनाटन हो गया, तो अपन क्या देखें इसको, इसको देखें कि आई जो है वो आपका आई सी से बड़ा है, और आई आपको पता है आई यहां है कितना, आई है कितना उसको चेक करें, देखो तो हमने कहा था ये 45 था तो ये 45 है, ये आपका 90 तो 45 तो ये 45 हो गया, यानी क्वेश्चन की जो यहाँ जो प्रिज्म है उसकी अरेंजमेंट से लाइट रे को 45 डिग्री का इंसिडेंस एंगल मिल चुका है। तो अब ये अपने को पता है, अब इसको अपन साइन बदल लें, देखो साइन आई मोर देन साइन आई सी, ओके, तो साइन आई सी वैसे आपको मालूम है कितना 1/μ होता है, इसको अपन आराम से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यदि इसको 1/μ कर दूं, ये हमारे पास साइन आई जो है 45, यानी साइन 45 डिग्री, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 1/μ से, म्यू को, और ये वैसे है कितना 1/√2 है, 1/√2 ये आपके पास है, म्यू इधर ले आता हूं, तो म्यू हमारे पास आ गया ऊपर, तो सिंबल आ गया आपका मोर देन वाला, ये 1/√2 है, रूट चला गया ऊपर, ये लो साहब, तो म्यू जो है वो क्या होना चाहिए, √2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कह रहा कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का न्यूनतम मान कितना, तो मिनिमम कंडीशन आप देखेंगे भाई आई का वैल्यू ये क्लियर डन हो चुका है, अगर अपन न्यूनतम की बात करेंगे तो जस्ट की कंडीशन अपन इस तरह से ले लेंगे, और अगर मैं यहां आपसे पूछता हूं कि न्यूनतम कितना है जी, तो न्यूनतम कितना, √2 होना चाहिए, तो टीआर जस्ट होने के √2 के बराबर होना चाहिए, हो चुका है तो उसे बड़ा होना चाहिए, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला, क्यों सर, ठीक है, तो इसी के साथ ये देखो अपनी गुरुति 42 फिनिश हो चुकी है, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे आपके ऑप्टिक्स के फर्स्ट पार्ट के, और जो अपने क्वेश्चन यहां जितने भी डिस्कस करें सारे थ्योरी के साथ, बच्चों को डिमांड रहती है सर कुछ थ्योरी भी ढंग से बताएं, तो बिल्कुल हमने उसको फॉलो करते हुए आपकी जो मन की इच्छा थी उसको अपन ने बिल्कुल यहाँ जैसे आपने कहा था, आप जो क्वेश्चंस आप जो कई बार जो अपन कमेंट देखते हैं तो उसमें आप बच्चों की शिकायतें आती हैं तो उनको बिल्कुल हम देखते हैं, गौर करते हैं, सीएलसी हेल्प बात पर ध्यान देती है, तभी तो सीएलसी है, ओके। तो सर हम इस गुणती को समाप्त करें अभी, ओके, ठीक है बच्चों, तो आप सब अपना ख्याल रखो, कोरोना के इस वक्त में सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो, ओके, थैंक यू, जय सीएलसी, जय सीएलसी।